Honorable Speaker, sir. Sir. इजाजत है नेक्स्ट एजेंडा लेने के लिए? जी, गो अहेड सर. दूसरा एजेंडा वो भी सुधीर राज सर का ही है, डॉक्टर कंचन लता द्वारा पैदा हालात से निपटने का नियम. सुधीर राज सर. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं पूरे आपके माध्यम से और आपकी अनुमति से, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, पूरे हाउस को कुछ मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद इसके नियम रखूंगा. थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि एक बात जो हमारे बुजुर्गों से हमने सीखी है और जो बड़े कमाल की है, बुद्ध ने भिक्कुओं के और भिक्कुणियों के जो नियम बनाए, वो एक भी ऐसा नियम नहीं था जो उन्होंने रात को सो के सुबह उठे और सुबह को ये कह दिया कि ये नियम मैंने बना दिया है. हर एक सूत, हर एक नियम के पीछे एक कहानी है, एक समस्या है. वो समस्या पहले आई है, उस समस्या का निदान किया गया है, हाउस बैठा है, वहां वो समस्या बताई गई है, उसको अनुभव किया गया है, फिर उस समस्या का निवारण बताया गया है, और फिर उस निवारण को सब लोगों को बताकर उनको रटवाया गया है कि भाई इस समस्या का, इस तरह की समस्या का ये है. कोई भी नियम बिना किसी समस्या के या बिना किसी स्टोरी के या बिना किसी कारण के आया ही नहीं. वैसे ही जैसे जैसे यहाँ समस्याएं आती जा रही हैं और जैसे जैसे यहाँ चीजें अच्छी और खराब होती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ नियम बनते जा रहे हैं. जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, पर जो लोग नहीं जानते हैं, जो नए बाद में आए हैं, उनके लिए मैं आज सारा का सारा बताना चाहूंगा और सब लोग ध्यान से सुने, ताकि जब वो फील्ड में जाएं और जब बातचीत हो तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम का पता रहे कि संघ कैसे चलता है और कैसे बनता है और कैसे संघ बना और कैसे संघ चला. और बिल्कुल ऐसे सोचें कि जैसे हम प्राचीन काल में चले हुए हैं. जब हमने यहाँ काम शुरू किया, काम तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, लगभग 2001-2002 से ये बात तय हो गई थी कि जब तक संघ नहीं होगा, जब तक हम साथ नहीं होंगे, जब तक हमारा पुराना सिस्टम नहीं होगा और हम सारे लोग एक साथ नहीं होंगे, हम जीत नहीं सकते. पर इस बात को कोई मानता नहीं था, क्योंकि उस समय हालात बहुत बढ़िया थे, लोगों को रोजगार रोटी छोटा मोटा जो मिलता रहता था. पूरा तो नहीं मिला उनको, ना ही संविधान मिला, पर लोगों को चिंता नहीं थी इस बात की कि उनको संघ जैसी कोई नेचुरल बॉडी भी बनानी है या नहीं बनानी है. लोग संगठन बना के अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, पर समय तेजी से खराब होता चला गया और पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज्यादा खराब होता चला गया. तो कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि हमको यूनाइट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, और कुछ लोग इस बात में लगे रहे लोगों को ये कहने में कि भाई संगठन से बात नहीं बनेगी, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, इन संगठनों को सबको मर्ज करो, इकट्ठा करो, एक साथ करो, एक साथ आओ. पर संगठन बात सुनने को तैयार नहीं. कई बार प्रयास हुए, बहुत लोगों ने प्रयास किए, हमने भी प्रयास किया, पर वो सब एक्सरसाइज, ये तो नहीं कह सकते कि वो एक्सरसाइज खराब गई, पर उससे हमें यह अकल आ गई कि भाई ये संगठन नहीं इकट्ठे हो सकते, इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स भी हमें समझ में आ गई. तो यहाँ कोविड के टाइम में ये जो पोर्टल स्टार्ट हुआ, ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि उससे पहले ये तय हुआ था कि जब संगठनों से बातचीत करके फेल हो गए हम लोग, तो ये तय हुआ कि भाई लोगों से बात की जाए. और इसका अल्टीमेटम संगठनों को दिया भी गया था, बाकायदा लिखित में है कि अगर आप सब लोग 14 अप्रैल 2020 तक इकट्ठे नहीं होते हैं तो हम फिर 14 अप्रैल 2020 को लोगों से बात करना शुरू करेंगे कि भाई अब क्या किया जाए, और हमको इकट्ठा होना चाहिए और इनका राशन पानी बंद करना चाहिए. ये राशन पानी बंद करने का आइडिया बहुत पहले उस समय आ गया था जब संगठनों ने बात करने से भी मना कर दिया, और वो सारे के सारे ये कह रहे थे कि हमारे नीचे आ जाओ. अब कितने संगठनों के नीचे कौन कौन आएगा, वही बात रहेगी, तो उससे फायदा तो होना नहीं और नुकसान ज्यादा हो रहा है. तो यहाँ जब जूम पर स्टार्ट हुए तो जूम पर लोग मिलने लगे और जूम पर सब तरह के लोग आने लगे. तो जूम पर जब लोग आने लगे तो वहां जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो शुरू में 8 आदमी जो ज्यादा काम करने वाले थे वो चुने गए, भाई ये आज से स्पोक हैं,
स्पोक का मतलब ये भिक्कू की तरह जीवन है इनका, ये भिक्कू की तरह काम करेंगे, स्पोक का मतलब प्रचार करेंगे, काम करेंगे। आठ लोग बने, जब ये आठ लोग बने तो समस्या शुरू होनी आनी शुरू हो गई। सबसे पहली समस्या क्या आई? सबसे पहली समस्या ये आई कि उस समय एंकरिंग मैं करता था सारी, तो हमारे एक दो साथी जो साथ में चल रहे थे उनको लगा अरे ये तो यही एंकरिंग करता है और कोई एंकरिंग करता नहीं, इसी की ज्यादा बात चलती है। तो हमारे एक दो साथियों ने एंकरिंग करने के लिए कहा भी कर लो, तो हम भी चाहते थे करें इसलिए एंकरिंग को अपने पास रखा नहीं, पर वो एंकरिंग में चल नहीं पाए, फेल हो गए। और लोग एंकर आए बाद में, वो कामयाब हुए। तो यहां एक डॉक्टर आए जो हरियाणा के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डॉक्टर्स की मीटिंग करनी है और उनको उनका पट्ठाक बनाया गया, यानी कि वो प्रमुख रहेंगे, वो करेंगे। उन्होंने मुझे फोन किया, बड़ी मीठी आवाज में, बड़ा सुरीला और बड़ा चाशनी से भरा हुआ फोन करते थे। जैसे ही चाशनी जैसी आवाज कान में पड़ती है, फौरन ही मेरे ब्रेन के अंदर ये सिग्नल आ जाते हैं कि इस बंदे को कुछ चाहिए। ये सीधी सीधी बात नहीं कर रहा, सपाट नॉर्मल बात नहीं कर रहा, चाशनी में डुबो डुबो के कर रहा है, कोई ना कोई तो चक्कर है जो ये इतना मीठा बोल रहा है। वो व्यक्ति यहाँ चार आदमी इकट्ठे हुए नहीं अपने वर्चस्व में, उसने कई कहानियां सुनाई, मैंने साहब काशीराम जी के साथ काम किया, ये किया, वो किया, हमने वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि जिसके थ्रू वो आया था वो आदमी हमारा बहुत पुराना मित्र था। पता चला कि वो व्यक्ति अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ आया था, उसे किसी बड़े अफसर से किसी के थ्रू काम कराना था और वो व्यक्ति यहाँ अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था। फिर बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का तो व्यवचार बहुत जबरदस्त है, इसकी जो खुद की पत्नी है वो बड़ी परेशान है, और उस व्यक्ति ने यहाँ पर ना बेकार बेकार सी बातें करनी शुरू करी, मतलब ऐसी बेकार बातें जो एक व्यवचारी आदमी करता है। और वो व्यक्ति संघ के ऊपर, तब तक संघ का नाम नहीं आता था, खाली विदा पीपल था, वो विदा पीपल में इधर उधर की बातें करके इल्जाम विल्जाम लगा के वो चला गया। उसने डॉक्टर सीमा प्रकाश पर भी इल्जाम लगाया और भी लोगों पर लगाया, पर वो चला गया। उसकी जो पत्नी थी वो यहाँ रही कुछ दिन तक, वो भी अपनी परेशानी की वजह से रही, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की। पहली बार वो बंदा यहाँ से गया तो हमारे कान खड़े हुए कि भाई यहाँ लोग अपने पर्सनल काम के लिए भी आएंगे, आते तो सब जगह भी हैं, पर सोच रहे थे कि यहाँ नहीं आएंगे, पर वो आए। फिर हमारा जो एक साथी, खास तौर से मेरा साथी जो 8-10 साल मेरे साथ रहा, उसने देखा कि काम चल गया तो वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। उसने कहा सुधीर जी नेता आप ही रहोगे हमारे, ऐसा करो इनको अलग अलग, कुछ लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देके उनका पदाधिकारी बना दो और फिर हम देखेंगे। और उसने गाली देके भी कहा कि मैं इनके साथ देखूंगा पॉलिटिक्स कैसे होती है और आप धम्म देखना। तो मैंने उनसे कहा कि जब हमने काम शुरू किया था, बात शुरू की थी, तो हमने ये कहा था कि भाई नेता हमारे यही रहेंगे, हमने ना पॉलिटिक्स करनी है और ना हमने कोई धम का काम करना है, हमने तो लोगों को इकट्ठा करना है, ये हमारा काम था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, जो जो कर रहा वही करे, हम तो ग्रस्त लोग हैं, हमने क्या करना है। उस व्यक्ति को थोड़ा सा धक्का लगा, उसने सोचा कुछ था। वो व्यक्ति बड़े कंफर्टेबल जोन में था, 7-8 लाख रुपए महीने की उसकी नंबर एक की आमदनी है, हर 3-4 महीने में एक फ्लैट खरीद लेता है, पर वो पैसा वैसा नहीं खर्च करता। मैंने इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एक जूम को जब पोर्टल को रिचार्ज कराने के लिए मैंने कहा कि अपना कार्ड दे देना, उसके पास कार्ड होते हुए भी उसने मना कर दिया, कार्ड नहीं दिया। और जब मैंने एक बार ये कहा कि चलो काम स्टार्ट करते हैं, 1-1 लाख रुपए मिला लेते हैं सारे लोग मिलके, तो उसने कहा जी हम पैसा क्यों देंगे, पैसा लोग देंगे। तो पता चला, तो मैंने उसका प्रपोजल मना कर दिया कि जी ये बात तय नहीं हुई थी, मैं अपनी उसी बात पे आज भी अडिग हूँ जो बात हुई थी, आपने अगर यहाँ नेता बनाने पद देने हैं तो आप हाउस में प्रपोजल ले आओ, उसे पास करा लो, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। तो सज्जन थे वो भी अनाप शनाप बोल बाल के चले गए, और यहाँ तक कि उन्होंने कई सारी बातें ऐसी कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहती, उनकी उम्र को शोभा नहीं देती, उनको नहीं देती, कह गए तो कह गए, बात खत्म हुई, वो चले गए। उसके बाद मेरे एक परम मित्र आए जो बामसेफ में काम करते थे, क्योंकि सब मित्रों को लेके आए थे यहाँ, वो बामसेफ का कहीं काम किसी स्टेट में काम चलाते हैं। उन्होंने फोन करके एक दिन बड़ा मीठा मीठा कहा कि सुधीर जी ये जो 8 आदमी शुरू में लिए हैं इन 8ों को ही रखना और नेता आप ही रहोगे, और देखो अब हमें ना इसका प्लान बना लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा देखो प्लान वाली कोई चीज चलती नहीं है और ये 8 पे नहीं रुकेगा, हम तो इसको नेचुरल वे में जो चलता है जैसे हमने देखा है इसमें तो 10,000 लोग आने हैं और सब बराबर रहेंगे। उन्होंने कहा ऐसे तो चलेगा नहीं। मैंने कहा चले या ना चले पर ऐसा नहीं रहेगा, फिर तो 8 लोग अगर आपने बनाए तो ऐसे तो 8-8 लोग वाले बहुत संगठन है, किसी में चले जाओ, तुमने भी संगठन बना रखा है उसी में क्या दिक्कत है।
पर वहां उनका वो स्टेट लेवल लेवल का काम कर रहे हैं, वो काम कहीं पहुंचा नहीं है आगे। अभी हार मैंने पूछा क्या है क्या नहीं है, तो कह रहे जी अंबेडकर भवन बना रहे हैं। अरे भाई अंबेडकर पूरा जीवन लगा दिया संगठन चला चलाते, खाली एक अंबेडकर भवन बनाओगे, क्या क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया। तो वो यहाँ अपनी नेशनल पहचान के लिए आए, वो अभी भी कुछ ना कुछ बोलते बालते रहते हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि नहीं, बात वही बनेगी जो सब लोग चाहेंगे। तो ये समस्या आई। उसके बाद में यहाँ फिर कुछ लोग और आते गए, कुछ लोगों को हमने देखा कि यहाँ जो आए उसमें दो प्रकार के लोग आए, जो एजड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे। एक तो वो लोग थे जिन्होंने ये कह दिया कि ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इस काम में पूरी ताकत लगानी है, हम इस काम के साथ हैं, ये काम बहुत बढ़िया है। और दूसरे प्रकार के लोग वो आए जिन्होंने ये कहा कि हमने पूरी जिंदगी में ये काम किया, ये किया, हम ये थे, हमारा पद ये था, हमारा पोस्ट ये था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, और हमें उस काम की इज्जत मिलनी चाहिए, और हमारी सुनो और हमारी बात मानो। तो उन लोगों को ये कहा गया कि भाई बात तो संघ की मानेंगे, आप संघ को मना लो, आप अपनी बात रखो, संघ आपकी बात मानता है, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। जहां 51% लोग होंगे हम तो वहीं काम करेंगे, क्योंकि संघ की ये या वी द पीपल की ये खास बात है कि यहाँ नियम वही होंगे। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी बात को मनवा सकें संघ से, क्योंकि बात ही उनकी गलत थी। और मैंने साफ कह दिया कि बात आपकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि नेचुरल बात नहीं है। ये संघ के लोग बड़े समझदार लोग हैं। तो यहाँ दो तरह के लोग आए जो एजड लोग थे, पर हमने किसी की ना तो इंसल्ट की, ना मान किया, ना सम्मान किया, हम नेचुरल रूप में वैसे रहे। अच्छा किया तो अच्छा बोल दिया, खराब किया तो खराब बोल दिया, हमने चापलूसी नहीं की, यानी संघ ने चापलूसी नहीं की। ये बात चलती रही। उसके बाद में कुछ लोग और आए, उनको अपना स्टेट बड़ा प्यारा लगा। एक बार उनके कार्यक्रम लगा स्टेट का, राजस्थान स्टेट की बात है, और अपने ही राजस्थान के लोगों को उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया, जिनको मैंने बुलाया था। वो आपस में ही लड़ बैठे, मतलब जिन लोगों को मैंने बुलाया राजस्थान के, और वो राजस्थान के दिन का स्पेशल कार्यक्रम, और वो लोग राजस्थान के थे। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो यहाँ पोर्टल पर कब्जा कर लिया, माइक पर कब्जा कर लिया, अगर राजस्थान का डे है तुम तो राजस्थान के लोगों को नहीं बोलने दे रहे हो, कमाल कर दिया तुमने तो। इस बात को उन्होंने अपने दिल से चिपका लिया कि हमको सबके सामने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरी आदत है मैं तो बोल देता, हालांकि कुछ बातें मैंने छुपाई भी हैं जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। मैं बताऊंगा आज आपको कि कौन सी बातें छुपा के संघ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसका मैं दोषी भी हूं। तो वो लोगों ने अलग चले गए, अलग पोर्टल खोल लिया, उनको लगा हमारी इंसल्ट हो गई। मैंने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या नहीं हुआ? कह रहे जी हमारी इंसल्ट हो गई, हमारी कोई गरिमा नहीं है क्या? तो मैंने कहा भाई तुम अपनी अकेले की गरिमा के लिए तो रो रहे हो, और तुम्हें संघ की गरिमा दिखाई नहीं देती है। ये संघ की जो गरिमा है ये तुम्हारी गरिमा से बड़ी कैसे हो गई? और अगर तुम इतने व्यक्तिवादी हो तो तुम संघ में काम कैसे करोगे? भैया यहाँ तो संघ की गरिमा ही देखी जाती है, अपनी कोई गरिमा नहीं है। अगर संघ की गरिमा है तो हमारी गरिमा है। वो व्यक्ति अपनी बातों में उलझ गए, यानी कि, और वो जो टूट के गए, जैसा कि प्राकृतिक नियम है कि पेड़ से अगर कोई ब्रांच टूटती है तो वो सूखती है, वो फलती नहीं है कभी भी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई उसको कितना ही खाद पानी दे, दो चार पत्तियां वत्तियां तो निकल आती हैं, पर उसकी जड़ कभी नहीं निकलती, वो हमेशा गलती है, सड़ती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए दुनिया में जितने भी संघों से टूट टूट के लोग ब्रांच बना के गए हैं वो सड़े ही हैं, चाहे उसमें देवदत्त हों बुद्ध के समय, और चाहे उसके अंदर साहब काशीराम के साथ जो लोग थे जो टूट के गए वो हैं। जब भी संघ के साथ टूट के जाएंगे वो सड़ जाएंगे, वो पनपते नहीं है, या पूरी जिंदगी चिल्लाते रहेंगे। उसके बाद काम चलता रहा। जब यहाँ काम चलना शुरू हुआ और बातचीत होने शुरू हुई तो ये हुआ कि भाई हमें 2 महीने हो गए, हमको मिलना चाहिए। तो मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा थी सबकी, क्योंकि यहाँ बड़ा अच्छा वातावरण रहता था, सब यहाँ अच्छे मन से बात करते थे, पर सबके एजेंडे अलग अलग थे, क्योंकि किसी के एजेंडे के बारे में हमने पूछा नहीं, ना ही ऐसी बात होती थी। जुड़ना है। तो कोई अपने आर्थिक एजेंडे लेके आया, एक व्यक्ति ने कहा कि हम बैंक बनाएंगे, आर्थिक एजेंडे हैं। उसने बिना हाउस को कॉन्फिडेंस में लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए 2 लोगों ने मिलकर। हमने पता किया भाई पैसे क्यों मांगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आर्थिक स्थिति इसलिए खराब थी कि हमने उनसे भी कहा कि भाई आप कार्ड को रिचार्ज करा दो, पर कार्ड, उन्होंने कहा जी हमारे तो सारे कार्ड ब्लॉक हैं, दोनों ने ये कहा। तो मेरा तो माथा ठनक गया, हाउस बैठा तभी, भाई ये क्या चक्कर है? तो बोले भाई पैसा लेना ही नहीं जिंदगी में कभी, तो पैसे ना लेने का उस दिन नियम बन गया कि भाई पैसे नहीं लेने जिंदगी में कभी, ना कोई खाता खुलेगा, ये झगड़े की जड़ है। वो नियम बन गया, वो पास हो गया। पुराने समय में भी कोई पैसा नहीं लेते थे, वो प्रूव हो गया, वो तय हो गया कि ये झगड़ी जड़ है। फिर उसके बाद में जब पानीपत के अंदर मीटिंग लगी, तो वो मीटिंग हाउस से बहुत बार मांगी गई। जो पुनिया जी थे, पुनिया जी ने कहा कि हम मीटिंग कराना चाहते हैं, वो बार बार ऐसा दम भरते थे कि वो पैसा खर्च करेंगे और पैसा खर्च करने के लिए तैयार है।
पूनिया जी और कर्मवीर जी दोनों साथ साथ दोस्त हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। तो कहा भाई चलो मीटिंग कराना चाहते करा लो, उन्होंने कहा सारा खर्चा हम उठाएंगे। भाई उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस ने पास कर दिया, मीटिंग तय हो गई। तो वो पूनिया जी ने पैसे खर्च नहीं किए, ना ही वो कर्मवीर जी ने पैसे खर्च कर दिए, पर उसमें कर्मवीर सिंह के कहने पर किसी व्यक्ति ने, क्योंकि उनका काम आपस में होता रहता है, सब लोगों का ऐसे चलता है, कहकर किसी ने कराया। वो भी स्पोक है हमारा, नाम नहीं लेता क्योंकि अच्छा नहीं है, उसने वो पैसा खर्च किया, थोड़ा सा पैसा 10% पूनिया जी ने खर्च किया और 10% जो पैसा है वो हाउस ने खर्च किया, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी हाउस की तरफ से गई थी। बहुत अच्छे वातावरण में पहली बार हाउस लगा, हाउस लगना सीखा हमने, देखा वहां पर जो डॉक्टर उमा शंकर लाल थे वो आए हुए थे, पीछे की लाइन में बैठे थे। उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर की एक संगति कराऊंगा। अच्छी बात है, डॉक्टर की संगति होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर यूवी सिंह भी बड़े मन से लगे, डॉक्टर सीमा प्रकाश भी लगी और जो डॉक्टर थे वो भी आने लगे। तो वहां अच्छे खासी बात हुई, तो वहां तय हो गया कि दिसंबर में मीटिंग लगेगी। अच्छा, सभी परिवार की तरह लगे हुए थे, तो किसी ने कोई मन में कड़वाहट नहीं, कुछ नहीं, बड़ी मीठी बातें, और सबने खूब पैसा खर्च किया। डॉक्टर उमा शंकर लाल जी से ये कहा गया कि आप कमेटी बना लो, बड़ी मीटिंग है, बार बार फोन करके कहा कमेटी बना लो। उन्होंने कहा बना लेंगे सर, बना लेंगे सर। तो मैंने कहा सबसे पहले आप जगह बुक करा लो। उन्होंने एक वो देखा, रिजॉर्ट देखा, उन्होंने कहा कि वो हमारी परिचित डॉक्टर हैं, उनका है, सस्ते में हो जाएगा। कहने लगे जी वो वहाँ जो मिल रहा है 1000 रुपये पर हेड होगा, शायद 700-750 रुपये पर हेड के करीब बात हुई थी। तो मैंने कहा भाई आप एक बार कमेटी बना लो, पास कर लो। कह रहा बना लेंगे। उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, डॉक्टर रमेश चंद्रा भी लगे वहाँ पे, डॉक्टर स्वामी भी लगे जुड़े, और वो नेटवर्किंग भी तब तक कमेटी बन चुकी थी, वो नेटवर्किंग के मेंबर भी थे, डॉक्टर स्वामी भी नेटवर्किंग के मेंबर थे। तो वहाँ उन्होंने बिना कमेटी के कार्यक्रम किया। तो कहा उनको बार बार के कमेटी बनाओ, अच्छा रहता है, पर उन्होंने नहीं किया। पर कार्यक्रम हो रहा था तो हर व्यक्ति वहां गया, वहां 100 से ज्यादा लोग गए नॉन मेडिकल वाले, और अपने साथ डॉक्टरों को लेके गए। जो नॉन मेडिकल वाले थे वो बिना डॉक्टर के नहीं गए, पर उन्होंने डॉक्टरों को कहने में पूरी ताकत लगाई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां 298 करीब, यानी 300 के आसपास लोग आए और पैसा भी आया। डॉक्टर यूएस लाल ने अपने आप पेमेंट की, अपने आप सारा किया, सारी बातें हो गई। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि भाई अगर 24 घंटे में सामाजिक कार्यक्रम का हिसाब ले लेते हैं तो वो 100% ठीक मिलता है। वैसे तो हैंड टू हैंड होना चाहिए, क्योंकि लिखा हो तो हाथ के हाथ हो जाए कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ, इतना नहीं। जैसे हमने 15 तारीख को बता दिया कि भाई ये हॉल इतने में आया, ये खाना इतने में आया, ये इतने में आया, हमने पूरे हाउस को बता दिया। और जो हमारे गिल सर हैं उन्होंने पूरा हिसाब बता के और वो हाउस में दे दिया कि भाई इतने का घाटा, इतने का फायदा है, और ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई है, 40,000 रुपये का घाटा उसमें आया, तो बता दिया। तो डॉक्टर यूएस लाल और डॉक्टर स्वामी को मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, आप यहाँ आ जाओ। तो वो स्वामी सर तो आ नहीं पाए, डॉक्टर यूएस लाल आए। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया माहौल था, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी लगभग 75,000 रुपये बचे हैं। तो मैंने कहा भाई 75,000 रुपये तो बहुत बढ़िया बचे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सबके 250-250 रुपये वापस हो जाएंगे। वहाँ हमने कुछ कमियाँ देखी, जैसे खाना अच्छा नहीं था, जैसे मिसमैनेजमेंट रहा, जैसे जो डॉक्टर्स की मीटिंग में जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आया। पर इतना हमने कर लिया कि एक अगली मीटिंग हमने तय करा ली। वो अगली मीटिंग के लिए हमने कहा भाई अगली मीटिंग यहाँ से फिक्स होकर जाएगी, वो या तो मध्य भारत में होगी या साउथ इंडिया में होगी। तो मध्य भारत के लिए हमने कटके सर को कहा, कटके सर ने कहा कि मैं डॉक्टर की मीटिंग करा दूंगा महाराष्ट्र में। हमने कहा भाई मध्य प्रदेश में एक भी मीटिंग नहीं हुई है। तो हमने डॉक्टर राजकुमारी बंसल को कहा कि भाई आप मीटिंग ले लो। उन्होंने कहा मैं तो करा नहीं सकती। तो हमने कहा आप नहीं करा रही हो, हाउस करा रहा है, आप सिर्फ यस करो। तो उन्होंने हमारे कहने पर, सबके कहने पर यस कर दिया और वो मीटिंग जबलपुर के लिए तय नहीं हुई थी, मध्य प्रदेश के लिए तय हुई थी, वो मीटिंग तय हो गई। और ये अंडरस्टूड था कि ये मीटिंग 300 से ऊपर जाएगी, क्योंकि सभी लोग जाएंगे और सारी मीटिंग तय होगी। तो डॉक्टरों की इस मीटिंग के बाद में अब गड़बड़ यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो जो नियम बनाए गए हैं वो नियम टूटते हैं। हालांकि ये नियम ये भी है, जो बुद्ध ने नियम दिए हैं, कि जो व्यक्ति टेढ़ नहीं है, यानी जो भिक्कू नहीं है, जो खाली अभी शावक है, जो खाली सामनेर है, जो सेखी है, जो सीख रहा है, उस पर ये नियम लागू नहीं होते। पर उसको बताना पड़ेगा भिक्खु संघ को, वो बताएगा कि भाई ये मैंने सीखा, ये मैंने गलत सीखा, ये ऐसा सीखा। तो उस पर सारे मिलके उसको समझाएंगे, बताएंगे और वो माफी भी मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है। पर कोई भिक्खु संघ को बताए तब ना, कोई हाउस को बताए तब ना, कोई हाउस के सामने रखे तब ना। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि 75,000 रुपये बचे है, तो मैंने किसी को कहा नहीं कि 75,000 रुपये बचे हैं, क्योंकि हाउस में अनाउंसमेंट होगी। भाई मैं कोई हाउस तो हूं नहीं,
मैं तो सिर्फ ये कि ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति हूं तो वो हाउस में खुद बताएंगे तो अच्छा रहेगा, मैं क्यों बोलूं, सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। मैं दिल्ली चला आया, आने के बाद में मैंने कहा ठीक है आप हाउस को बता देना बाद में। तो उन्होंने कहा जी हमने इतना 15,000 रुपया पेट्रोल खर्च हुआ वो हमने ले लिया, और 17,000 रुपये डॉक्टर रमेश जी के खर्च हुए थे वहां पे मकान में रुकवाने के लिए, वो खर्च हो गए 32,000 रुपये, खर्चा इसमें घट गया है, और 3,000 रुपये जो चार वो कमरे बुक करवाए थे उसका एक्स्ट्रा गया, तो ऐसे करके 35,000 रुपया लगभग चला गया। अब मैं क्या बोलता, क्योंकि मैं कोई हाउस तो हूं नहीं। तो मैं यहां मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मेरे को ये बात अगर जानकारी में थी तो हाउस को बतानी चाहिए थी, पर मैं इस चक्कर में रुक गया कि भाई ये खुद कहेंगे हाउस से, जब हाउस हिसाब पूछेगा तो खुद बताएं। तो उन्होंने हाउस ने हिसाब पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। फिर निरंकारी सर ने पूछा हाउस में कि जी क्या खर्चा हुआ, वो आए थे 1,000 रुपया दिया था, तो डॉक्टर यूवी सिंह ने उनको कुछ फोन पे बता दिया, समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब हिसाब आया तो उन्होंने हिसाब में ये कहा कि भाई इतना पैसा था, इसमें ये जो 35,000 रुपया है 32,000 रुपया ये मिसलेनियस खर्च हो गया। अब किसी ने पूछा नहीं, मेरे को तो पता था, किसी ने पूछा नहीं तो मैंने भी किसी को कहा नहीं। मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि पहला कार्यक्रम हुआ है, सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम अच्छा है, ये मिस्टेक उनसे हो गई है। क्योंकि नेटवर्किंग कमेटी के अंदर ये प्रॉमिस लिया जाता है कि आपको अगर अपना घर बेच के भी पैसा देना पड़े तो दे सकते हैं, पर सदन का या हाउस का पैसा खर्च नहीं कर सकते आप अपने व्यक्तिगत काम में, और उन्होंने इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च किया। तो मैं बड़े असमंजस में फंस गया, क्योंकि हिसाब तो उन्होंने हाउस को दे दिया और किसी ने पूछा नहीं कि मिसलेनियस क्या खर्च हुआ क्या नहीं खर्च हुआ, तो मैं क्यों बताऊं। पर मैं अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई पैसे और बच सकते थे, हाउस के पैसे थे, संघ के पैसे थे, तो पैसे आगे से समझदारी से खर्च किए जाए, बचाए जाए, काम आते हैं हाउस में। और ये बात मैंने एक बार और भी कही, दो बार कही, ये बात उनको चुभ गई। और इस बात का चुभने का प्रमाण इस बात का है कि उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिया कि यूट्यूब से इतने इतने पैसे कमाए जाते हैं, ऐसा एक उन्होंने पोस्ट डाली। तो उस दिन चर्चा थी, तो मैं समझ गया इंटेंशन, इतना बूढ़ा हो गया, इतना ये तो बाल बाल तो वैसे काले किए हुए हैं, तो मैंने कहा ये मन में लगा गए हैं और ये मेरे को एक तरह से कह रहे हैं कि देखो आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो और अगर हमने खर्च कर दिया तो क्या हुआ, पर संघ के नियम के तो अगेंस्ट है। तो मैंने उनसे कहा भाई हाउस में चर्चा करा लेना इस बात की, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। उसके बाद हाउस में चर्चा हुई, हाउस की चर्चा में मैंने कहा जी बोलिए आप क्या कह रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वो यूट्यूब का इतना पैसा आता है, हम चाहते हैं कि यूट्यूब में जो पैसा है वो ऐसा लगे। तो मैंने कहा भाई यूट्यूब मेरे नाम से नहीं है, पहली बात ना मेरा यूट्यूब है, और कोई पैसा अगर आपकी वीडियो लगा के उधर से आया हुआ है तो वो पैसा आप उससे ले लो, जो भी है ये मालिक है ये फलाना है। कोई नहीं आया, क्योंकि वो 250-300 रुपये थे, वहां कोई एडवर्ड लगती नहीं और वो पैसे कोई ऐसे भी नहीं थे। दूसरा, हम पानीपत में ये नियम पास कर चुके थे कि हमें 10,000 यूट्यूबर्स चाहिए और हमें नहीं पूछना कि वो कैसे काम चलाते हैं कैसे नहीं। मैंने ये कहा था कि भाई जो यूट्यूब का खर्चा हुआ है वो आप दे देना और जो आप पे पैसे आए वो आप ले लेना, पर उनकी बात चली नहीं। फिर ये बात वो आगे बढ़ाते गए और फिर उसमें और भी लोग शामिल होते गए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक नियम टूटता है तो उससे कितने नियम टूटते हैं। फिर उन्होंने अलग पोर्टल बनाने की परमिशन मांगी डॉक्टर्स की मीटिंग के लिए, जो डॉक्टर्स की मीटिंग जबलपुर में होनी थी। अब अलग पोर्टल की क्या जरूरत थी, ये पोर्टल दिन भर खाली पड़ा रहता है, शाम को काम आता है, इसका हम पूरा किराया देते हैं, इस पे 500 आदमी आ सकते हैं, पर उन्होंने अलग पोर्टल की मांगी। मैंने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सीधे सीधे मेरे से टसल करने वाले थे और संघ में और ज्यादा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता, पर बाकी लोगों ने भी पास कर दिया, क्योंकि मैंने विरोध नहीं किया तो बाकियों को विरोध करना चाहिए था, नहीं किया। अलग क्यों बना रहे हो, क्या कारण है, क्या नहीं है, कोई आदमी अलग घर बसा रहा है क्या कारण है। उनको ये कहा कि चलो भाई ये जो नियम है डॉक्टर के घटक संघ के, ये नियम बनाते हैं, तो तीन लोगों ने साफ मना कर दिया, डॉक्टर यूवी सिंह ने मना कर दिया, डॉक्टर यूएस लाल ने मना कर दिया और डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने मना कर दिया, हम नियम नहीं बनाएंगे। बड़ी अजीब सी स्थिति आई, भाई क्या करे, जब नियम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और नियम चाहिए तो काम कैसे चले। तो बोले भाई बाद में बना लेंगे, अभी छोड़ दो इसको, तो छोड़ दिया, नियम नहीं बनने दिए। क्योंकि नियम बनते ही राजकुमारी बंसल ने ये कहा कि नियम बनेंगे तो मैं तो काम करूंगी नहीं और मैं तो मीटिंग करूंगी नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई ये आपकी मीटिंग नहीं है, ये हाउस की मीटिंग है, आप नहीं कर रही हो मीटिंग, आप इसको दिल से निकाल दो कि ये मीटिंग आप कर रही हो, आप सिर्फ इसमें कारण मात्र हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में हो रही है, हाउस की मीटिंग है, हाउस जाने हाउस का काम जाने। ये बात शायद उनको भी बुरी लग गई। और वो जो मीटिंग उन्होंने वहां की, वो मीटिंग का हाउस से पूरा कट कर दिया, उन्होंने कभी हाउस को नहीं बताया
कि उन्होंने 1,000 रुपया क्यों तय किया, उन्होंने वो जो मीटिंग 300 से ऊपर होनी थी वो कब उन्होंने घटा के 200 की कर दी, क्यों कर दी। कारण पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम क्वालिटी वाले डॉक्टर इसमें रखेंगे, नॉन क्वालिटी वाले डॉक्टर नहीं। पहले उन्होंने जो पब्लिक थी उसके लिए मना कर दिया, मेरा टिकट बुक था, मेरे फोन नहीं उठाए, वो टिकट कैंसिल कराना पड़ा। और फिर बाद में वहां लोग नहीं आए तो उन्होंने फिर वो नॉन मेडिकल वाले उठाए। बाद में पता चला कि उनको आईएमए की तरह, उनका एक मित्र है जो आईएमए में है और उनकी उनकी टसल थी डॉक्टर यूएस लाल की, वो आईएमए की तरह इम्पा की तरह इसका एक संगठन बनाना चाहते थे। जो वामन मेश्राम जी का संगठन है डॉक्टरों का, सेम उसकी तर्ज पर अलग संगठन बनाना चाहते। अरे भाई अलग क्यों संगठन बनाना चाहते हो, अगर आपको वैसा ही संगठन चाहिए तो इम्पा में ही शामिल हो जाओ जाके। इम्पा वाला कोई विदेशियों का संगठन वो थोड़ी है, वो भी समण लोगों का है, पर यहाँ संगठन संगठन खेलने की आदत पड़ी हुई है। ये हमें बाद में पता चला, ये सारी चीज चलती रही। इस बीच में कई सारी बातें ऐसी हुई जिनसे ये पता चला कि वो संघ को तरजीह नहीं दे रहे हैं, संघ को कुछ समझ नहीं रहे हैं, और उन्होंने संघ को कोई भी बात नहीं बताई। वहां मीटिंग उन्होंने धीरे धीरे संघ से प्राइवेट कर ली और वो मीटिंग प्राइवेट हो गई। इसमें कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, और ये गारंटी है कि किसी ने किसी को रोका भी नहीं, बल्कि कहा कि जाओ, क्योंकि मीटिंग अगर खराब होगी तो बेइज्जती संघ की होगी, संघ की मीटिंग हो रही है, समर्थन लिखा हुआ है। पर बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि प्राइवेट मीटिंग हो रही है तो वो उन्होंने खुद ही कैंसिल करा दिया। पर यह बात हाउस के सामने नहीं आई कभी, हाउस के सामने कभी रखी नहीं ये समस्या, क्योंकि हाउस को तो माना ही नहीं, हाउस की तो मीटिंग ही नहीं मानी। अगर वो एक बार भी हाउस के सामने ये कहते कि इतने सारे लोग हैं उन्होंने कैंसिल करा दिया, या ये मीटिंग 500 की जगह अब 300 करानी पड़ रही है या 200 करानी पड़ रही है, या इसमें ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, पर पूरी मीटिंग में हाउस के सामने एक बार भी जिक्र तक नहीं आया, तो पूरी पूरी मीटिंग प्राइवेट हो गई। तो कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, पर संघ चुप रहा। संघ ने कभी नहीं कहा कि ये मीटिंग प्राइवेट हो गई, क्योंकि उस समय तक नियम नहीं बने, और अपनी बात संघ खराब नहीं कराना चाहता है, क्योंकि संघ का नाम चल रहा है पोस्टों पर, संघ समर संघ का नाम चल रहा है, इसलिए संघ अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा। खामोश रहे सब समझदार लोग, कुछ नहीं बोले। मीटिंग हो गई, अच्छी मीटिंग हुई, खराब हुई, वो विषय नहीं है। पर वहां से मीटिंग से आने के बाद में 26 तारीख को मीटिंग हुई तो 28 तारीख को नेटवर्किंग पे पहला मैसेज जो आता है वो डॉक्टर आर एस स्वामी को दोगला लिखने का आता है। और कौन लिखती है? डॉक्टर कंचन लता। तो जब उन्होंने दोगला लिखा तो मेरे पास मैसेज आया कि भाई डॉक्टर आर एस स्वामी को उन्होंने दोगला कहा है, दोगला गाली है, और डॉक्टर स्वामी डिप्टी सीएमओ है और वर्किंग है, ऐसा नहीं, और बहुत मिशनरी आदमी है। सब लोग जानते हैं कि जब तक वो समाज का काम नहीं करते उनको चैन नहीं पड़ता। मैंने देखा है कि वो एक चादर लेके और भागे चले आते हैं, कहीं भी अगर मीटिंग हो अकेले चले आते हैं। पर डॉक्टर स्वामी इतने ग्रेट करेक्टर के आदमी हैं कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया और किसी से शिकायत भी नहीं की कि मेरे को गाली बकी बहन जी ने, क्योंकि वो भी संघ की इज्जत जानते हैं, अपनी महिला की इज्जत जानते हैं, अपनी जो महिला सहयोगी उसकी इज्जत जानते हैं। पर पहला मैसेज है ये, आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। दूसरा मैसेज परिहार सर के बारे में लिखा जो निगेटिव था, और तीसरा मैसेज लिखा एडवोकेट अभिषेक राज जी के बारे में जिनको रट्टू तोता कहा। और एडवोकेट अभिषेक राज जी ने इसके जवाब में सिर्फ ये कहा कि भाई आपकी मीटिंग 500 की जगह वो कम की रह गई, आप खिसिया रही हो, खिसियाना गाली नहीं होता। पर उन्होंने एट द रेट अभिषेक राज करके और पूरे में प्रचार किया और सब जगह प्रचार किया और महिला होने का प्रचार करने का पूरा फायदा उठाया। सारी महिलाओं को, सारे लोगों को लगा कि जैसे कंचलता बहन जी को बहुत ज्यादा अपशब्द और अपमानित किया गया है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि बहन जी आपने क्यों उनको दोगला कहा, क्यों उनको गाली बकी। मैंने फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया। मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी क्या बात है। तो मैंने उनसे ये पूछने के लिए और भी कई लोगों को फोन किया कि भाई क्या जबलपुर के अंदर कोई गाली गलौच हुई, कोई बदतमीजी हुई, किसी ने अपमान किया, किसी ने बेइज्जती की, क्या हुआ वहां पर जो आते ही इन्होंने यहाँ ऐसा काम शुरू किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि आप उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने आपके साथ में कुछ बदतमीजी की है, हम हाउस में उसको बुलाते हैं, हर जगह बंदे हैं, कोई अगर बदतमीजी तो हम पहुंच जाएंगे, कोई बात तो पता चले। पर कोई बात ही ना बताए, कोई बात ही हुई हो तो बताए भी, इसका मतलब कोई बात नहीं हुई। ये बात उन्होंने आज तक नहीं बताई। उन सबको हाउस में आने के लिए, हाउस में बात रखने के लिए बहुत लोगों को कहा, बहुत महिलाओं को भी कहा। पर कमाल यह हुआ कि 28 तारीख को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद 29 तारीख को एक पर्चा आ गया जो जीडी निरंका जी की तरफ से आया, और जिसमें यह लिखा था कि जबलपुर की मीटिंग में डॉक्टर्स ने यह तय किया है कि वो अलग से मीटिंग लगाएंगे, इसमें और लोग भी आ सकते हैं,
जी डी निरंकारी ने लिखा। मैंने उनको फोन करके पूछा ये सर ये पर्चा आपका है, कह रहा हाँ जी, ये डॉक्टरों ने कहा है, कह रहा हाँ जी, क्या तय हुआ, कह रहा जी अलग मीटिंग लगाने का तय हुआ है। हमने यहाँ हाउस में पूछा, मीटिंग में पूछा डॉक्टर यूवी सिंह से, सर ये ऐसे ऐसे पर्चा आया हुआ है, कह रहे नहीं हमारी तरफ से कोई पर्चा नहीं आया। और सच में उनको कोई जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी एक समीक्षा मीटिंग हुई थी जो 28 जो 26 तारीख को जो उन्होंने वहां मीटिंग की, उसकी एक समीक्षा मीटिंग की थी। और उस समीक्षा मीटिंग के अंदर आर एस स्वामी जी ने नंबर भेजा जो नंबर जो उस मीटिंग का था, और उस समीक्षा मीटिंग में मैं एंटर किया और मैंने वो सारी सारी मीटिंग सुनी। और वो सारी मीटिंग सुनने के बाद में मैं ये पहुंचा इस निष्कर्ष पे कि डॉक्टर यूपी सिंह को तो कुछ पता ही नहीं है और ये सारा काम तो डॉक्टर राजकुमारी बंसल और ये डॉक्टर उमा शंकर लाल ने किया है। और डॉक्टर उमा शंकर लाल का तो मुझे समझ में आता है, पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल को ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सा किसी ने कुछ किया, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो फिर मुझे वो बात याद आई जब राजकुमारी बंसल बहन जी ने यह कहा था कि मैं संघ में काम नहीं करना चाहती, मैं कुछ बड़ा काम करना चाहती, तो मैं समझ गया कि ये राजनीति की बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा था कि बहन जी राजनीति में कुछ नहीं रखा हुआ है, आप संघ में काम करो। तो मेरे कहने से वो उस समय रुक गई थी, पर यहां वो नियम बन गया कि राजनीति में संघ कभी जाएगा नहीं, तो राजनीतिक लोगों के लिए यहां रास्ता बंद हो गया। हालांकि रास्ता बंद नहीं हुआ है, हमने बार बार ये कहा है कि यहां से लोग राजनीति करने जा सकते हैं, वो संघी भी रहेंगे पर एक्टिव संघी नहीं रहेंगे, पर उनको निवेदन करना पड़ेगा संघ से कि वो राजनीति में जा रहे हैं, तो संघ उनकी मदद करने करे। अब निवेदन कौन करे, संघों को कौन बताए, संघ को कोई माने तब ना, जब संघ को मानना ही नहीं है तो कुछ भी करो। तो राजकुमारी बंसल का जो व्यवहार है, उन्होंने तय कर लिया कि उनको जाना है। उस मीटिंग में डॉक्टर जो यूवी सिंह है उन्होंने कहा कि भाई राजकुमारी बंसल आप मत छोड़ो, देखो मैंने नहीं छोड़ा है और मैं कभी जिंदगी में छोड़ूंगा भी नहीं संघ को, आप भी मत छोड़ो इसको, ऐसे जाना ठीक नहीं है। पर राजकुमारी बंसल ने कहा नहीं वो तो जाएंगी। और वहां जो समीक्षा मीटिंग हुई और वो जो कार्यक्रम जबलपुर का हुआ, उस कार्यक्रम के बाद में एक मैसेज डॉक्टर राजकुमारी बंसल के पास आया जो मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट में है, उसमें लिखा मिशन कंप्लीट। भाई संघ का कोई मिशन तो कंप्लीट हुआ नहीं, अभी उनका कोई मिशन कंप्लीट हो गया उस मीटिंग के बाद में, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा। ये बातें होती रही तो कंचनलता बहन जी अचानक से फायरिंग हो गई और सबको वो आग उगलने लगी, पर बताएं किसी को नहीं। और हमारी जो महिलाएं हैं, वो महिलाओं के जो ग्रुप हैं, उनमें जिन जिन लोगों ने भी उनसे पूछा कि बहन जी क्या बात है, उनको निकाल दिया, उनको निकाल दी चली गई। और सारा महिलाओं का बना हुआ इतनी मेहनत का ग्रुप का सारा उन्होंने वहां से वो महिलाएं निकाल दी जो उनसे सवाल पूछ रही थी, और जो महिलाएं सवाल नहीं पूछ रही थी वो उनके साथ में रह गई। पर सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि आपने अलग पोर्टल बनाया, ऐसा किसने क्या कहा, क्या बात कही। तो घूम फिर के कल ए के सिंह सर ने बताया कि जी सुधीर दास सिंह से कोई दिक्कत है, तो ए के सिंह सर ने कहा भाई सुधीर दास सिंह से कोई दिक्कत है तो सुधीर दास सिंह से हाउस में पूछ लो, मैं तो हाउस में कटघरे में खड़ा होने के लिए तैयार हूं, कोई भी बात मेरी छुपी हुई नहीं है। और कोई बात अगर संघ को लगती है कि ये बात खराब है तो संघ हित में मैं तो जो आप कहोगे वो करने को तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां तो पूरा जीवन संघ में लगाने के लिए हमने घोषणा की हुई है। पर अगर हम ही गलती करेंगे तो संघ चलेगा क्या और क्या नहीं चलेगा, पर कोई आए तो सही पूछने के लिए, कोई नहीं आता पूछने के लिए। कितनी बार कहा है कि भाई जो बात करनी है, हमारे पास सूचना आई कि जी पांच आदमी उधर से बैठेंगे, पांच आदमी आप आ जाओ टेबल पे बात करेंगे। भाई मैंने तो मना कर दिया, टेबल पे नहीं बात हो सकती, टेबल पे बात होती है नेगोशिएशन की, मोल भाव की, खरीदने बेचने की होती है, हम नहीं करेंगे टेबल बात, हम जो बात करेंगे वो करेंगे संघ के सामने, संघ अपना तय करेगा, क्योंकि संघ हमारा सुप्रीम है, संघ हमारा सबसे बड़ा है, व्यक्ति नहीं है। अगर हमें टेबल पे बात करनी होगी तो हम किसी पार्टी वार्टी में चले जाएंगे, भद्री पार्टियां घूम रही हैं और इतनी एबिलिटी तो है, जिस पार्टी पे उंगली रख देंगे उस पार्टी में घुस जाएंगे, पर उससे कुछ बनता नहीं ना। बहुत सारे लोग एमपी बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, दो चार एमपी एमएलए मिनिस्टर बन भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उनसे, कोई बात नहीं बनने वाली, बात तो संघ से बनेगी। जब हमें यह समझ में आ गया है तो ऐसी मूर्खता तो नहीं कर सकते हम, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, काम तो हम फायदे के नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ तो है नहीं जो हम नुकसान के लिए करेंगे। तो कंचनलता बहन जी के उस व्यवहार के बाद से एक दिक्कत ये आनी शुरू हो गई कि कंचनलता बहन जी और दो तीन लोग और वो सारे के सारे लगातार लगातार फोन करते रहे। इसमें बबी हीरा जी का भी लिखा हुआ है, रंगारी बहन जी पूछने का अपमानित किया गया, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि कोई हाउस में आए तो पूछे तो बताए ना कि क्या अपमान है। दरअसल अपमान तो वो करके गई हैं पूरे हाउस का और हमारा, और कुछ बातें ऐसी हैं पर कोई हाउस में आता नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा। तो कंचनलता बहन जी और इन सबने फोन करने शुरू किए, और वही बात जैसे संगठनों को तोड़ने का, वो संगठन स्टाइल में भाई फोन उन्हीं को कर रहे हैं जिनको आप परिचित हो। और कंचनलता बहन जी को इस संघ में आने से पहले कोई नहीं जानता था,
वो उन्होंने अपनी नौकरी पूरी की, वो रिटायर हो गई, रिटायर होने के बाद संघ में आई और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। उनकी जो सेंस है, उनका जो बात करने का तरीका है, जो पोलिटिकली बात करती है, उससे संघ को बहुत फायदा हुआ और संघ से ज्यादा उनको फायदा हुआ। पर संघ से एक गलती हो गई, उस गलती को दोबारा नहीं करना। इसलिए आज जो ये रखा हुआ एजेंडा इसलिए रखा हुआ है कि वो गलतियां हम दोबारा ना करें, क्योंकि गलतियों से हम सीख रहे हैं। वो जो उन्होंने मेहनत से काम किया उससे उनका फेस गया, उनका फेस गया और सारे लोग उनको पहचानने लगे। इससे पहले उन्हें कोई नहीं पहचानता था। कल भी वो रामराज की एक उसमें गई है, क्या बोलते हैं, मीटिंग में गई है। वहां तीन लोग गए थे रामराज की मीटिंग में। रामराज एक कांग्रेस के नेता है, अब तो उनका उदित राज नाम है, मुझे रामराज याद रहता है। तो वो वहाँ कांग्रेस के लीडर हैं, वहाँ गई हैं। डॉक्टर कंचलता गई हैं वहाँ पर, वहाँ पर मनीषा निगम बहन जी गई हैं और वहाँ पर ये क्या बोलते हैं डॉक्टर राजकुमारी बहन जी गई हैं। तीनों वहाँ गई हैं, उनके फोटो खींचे हुए हैं वहाँ। भाई आपको लगता है कि कोई कांग्रेस के नेता का जो जो उसका कार्यक्रम है वो संघ के कार्यक्रम से बड़ा है तो बड़ी अच्छी बात है। संघ की इतनी इज्जत ही आपको पता है, इसमें कोई क्या कर सकता है। जब कोई संघ को समझा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, संघ को समझा सकते हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो वहां जो कंचनता बहन जी, उन्होंने सबको फोन करने शुरू करे। अच्छा, महिला का फोन जाए और किसी को पीछे की सारी बात पता ना हो और कोई पूछे ना, तो कोई क्या करे। सरवन बहन जी से मेरी बात हुई, मैंने बहन जी आपकी क्या बात हुई, उन्होंने कहा उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। ये एक और समस्या है, क्योंकि अगर कोई महिला बच्चों की कसम खा ले, जाने अनजाने में खा ले और हाउस का फेस करे ना, हाउस में आके बात ना करे, तो कोई क्या करे। सरवन बहन जी भी चुप, मैं भी चुप, अब क्या बोले इसमें कोई। तो ये जो मुगालते और ये जो अनजाने में या जो जान के चीजें हो रही हैं, इसका बुद्ध के समय और बुद्ध के टाइम में सबसे बढ़िया जो तरीका था वो था निदान का, वो था कन्फेशन का, वो था हाउस के आगे हर 15वें दिन में बताने का, दूसरों की गलती अपनी गलती, क्या गलती है क्या नहीं है। वो प्रोसेस हम नहीं कर पाए। अगर वो प्रोसेस हमने शुरू से स्टार्ट कर लिया होता तो ये जो घटना घटी है और जो नुकसान हुआ है, नुकसान सच में हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है कि पके पकाए लोग चले जाते हैं, कुछ आधे कच्चे भी लोग भी चले जाते हैं, कुछ संगी नहीं बनते। एक व्यक्ति आता है, तीन व्यक्ति को साथ लेके आता है, हम सोचते हैं जो तीन व्यक्ति को लेकर आया वो संगी बन गए, पर पता चला वो संगी नहीं बने, वो तो उसके रिश्तेदार हैं, वो संघ में शामिल ही नहीं हुए, ना उनको संघ समझ में आया, वो रिश्तेदार के साथ आए और रिश्तेदार के साथ चले गए, जो लेके आता है उसके साथ चले जाते हैं। तो संघ को यहां भी नुकसान होता है। अभी हम कच्चे कच्चे चल रहे हैं, कुछ पक्के पक्के चल रहे हैं। इसलिए ये निदान का जो नियम है, हालांकि समय इसका हो गया, पर ये पहले आ जाता तो ये बातें नहीं होती। अब ये बातें नहीं होंगी क्योंकि अब लोगों को, जो कच्चे कच्चे लोग हैं उनको पकाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि भाई आपकी ये गलती है, आपकी ये मिस्टेक है, उनको बताया जाएगा ताकि ये फिल्टर होता रहे। पर कंचलता बहन जी ने फोन कर करके बड़ा सारा नुकसान हुआ और बहुत सारी चीजें हमारी खराब हो गई। क्या खराब हुई? सबसे ज्यादा खराबी तो हमारी इस बात में हुई कि हमारा जो हमारे विरोध में लोग थे उनको एक मौका मिल गया कहने का कि अरे इनमें टूट गया। हालांकि समर संघ नहीं टूटा, उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी के तहत वो काम कर रहे हैं और वो आज भी सारे समर संघी है। वो जानते हैं कि वो समर संघी है और हमारा कोई उनसे द्वेष नहीं, कोई वैमनस्य नहीं है, कोई हमारा दुर्भाव व्यवहार नहीं है, पर कटाक्ष हो रहे हैं। कोई कहता है जी कमेंट ये लिख दिया, कोई कहता है जी कमेंट वो लिख दिया, कोई कुछ वो कहते हैं, कोई कुछ वो कहते हैं, ये बातें चलती रहती हैं। उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। जो हमारे सारे लोग हैं उनको खुद नहीं पता कि हुआ क्या, क्या नहीं हुआ। जो बातें बीच में से आती हैं उनकी कड़ियां नहीं जुड़ती तो पूरी बातों का पता नहीं चलता और एक तरफा बात की कभी सच्चाई नहीं होती। जैसे मैंने ये सारा आपको बताया है, ये सारा सच, मगर ये सच तब मजबूत होगा जब सामने वाले लोग भी आए और इन बातों को काटें और अपनी बात कहें। पर कोई आता नहीं, हजार बार कहा कि आओ भाई बैठ के बात कर लो, 500 लोगों का पोर्टल है, 500 लोगों में बात कर लेते हैं, पर अकेले में बात करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते अकेले बात। अकेले में क्या बात करें, अकेले में बात करने से कल को आप ही लोग पूछोगे क्या बात हुई जी आप लोगों में, एक संशय और हो जाएगा, एक भ्रम और हो जाएगा, संघ बनने से पहले नीचे गिर जाएगा, उसका फायदा क्या रहा। खुल के बात होनी चाहिए और अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई बात हो गई, मुझसे हो गई या किसी और से हो गई, तो संघ के अंदर जो नौसिखिया होता है, जो सामने होता है, जो अभी सीख रहा है, उसको क्षमा करने का संघ के पास में है। क्योंकि सजा उन्हीं के लिए है जो लोग परिपक्व हो गए हैं। भिक्खुओं के लिए सजा है, जो सामने रहे सीख रहे हैं उनके लिए माफी है, वो तो अभी सीख रहे हैं। तो सीखने के और सिखाने के बीच में एक कार्यक्रम होता है उपसमता का। उपसमता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर ट्रेन हो गया तो उसका ट्रेनी का टेस्ट होगा। वो टेस्ट भी अब हम यहाँ लागू कर देंगे अगले महीने से, कि जो जो लोग पक गए हैं उनका एक टेस्ट होगा, फिर उनको ये कहा जाएगा कि अब ये स्पोक्स पक्के वाले हैं और ये कच्चे वाले हैं।
पक्के वालों को सजा होगी अलग नियम से, कच्चे वालों को सिखाया जाएगा अलग नियम से। उन सबकी भी माफी हो सकती है, उनकी माफी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग अभी अनट्रेन हैं, वो लोग सारे के सारे अभी सीख रहे हैं, कोई उनमें उपसमदा करके कोई ट्रेनिंग का टेस्ट पास करके कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आया हुआ है, और इधर भी जितने लोग हैं वो भी सीख रहे हैं। पर हाउस के आगे कोई कहे तो सही, हाउस को माने तो सही, पीछे से कैसे बात को कर लें? जो बात हाउस के सामने बिगड़ी है उसको हाउस के सामने मनाना चाहिए, इसलिए हाउस में आने कोई तैयार नहीं है। हजार बार कहा है, आप सबने ट्राई किया, बहुत लोगों ने ट्राई किया, हाउस में आइए, हाउस में आके बात कीजिए, पर हाउस में कोई आता नहीं, क्योंकि हाउस पूछता है, हाउस के अंदर एक बातचीत चलती है कि भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई, दो पक्ष होंगे, पूरा हाउस उसमें जज होता है, और उसको फेस करना चाहिए, उसको फेस नहीं करते। तो क्या नुकसान हुए कंचनलता बहन जी के जाने से? ग्रुप से निकालना आरंभ हुआ, किसी को एडमिन से हटा दिया, किसी को ग्रुप से हटा दिया, कुछ महिलाएं चली गई, कुछ ग्रुप बंद हो गए, कुछ ग्रुप खराब हो गए। तो मैं यहाँ एक बात तो ये प्रस्ताव करता हूँ हाउस के सामने कि ग्रुप की जितनी भी जानकारी है वो यहाँ डिजिटल वर्किंग कमेटी को होनी चाहिए, यानी कि डिजिटल जो कमेटी है उसका एक आदमी उसमें एडमिन होना चाहिए। और अच्छा तो ये रहे कि ग्रुप को स्टार्ट ही डिजिटल कमेटी करे, ताकि वो संघ की प्रॉपर्टी रहे। दो बार ऐसा हो चुका है, एक राजस्थान वाले केस में और एक इसमें, कि जब हम ग्रुप बनाते हैं और हम विश्वास करके कह देते हैं कि भाई ग्रुप बना लेना, ग्रुप बना लेना, और वो संघ के ग्रुप ना होकर लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं, वही एडमिन होते हैं, वही क्रिएटर होते हैं, और जरा सा उनका ईगो हट हुआ, जरा सा मनमुटाव हुआ, सबसे पहले वो ग्रुप बंद कर देते हैं या उसका नाम बदल देते हैं या उसमें उल्टी सीधी पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। ये नुकसान हुआ, इससे भ्रम फैला, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई, उन्होंने कुछ कहा, इधर से कुछ कहा गया, उससे क्या हुआ कि लोगों को ये नहीं पता चला कि जिसके हाथ जो इन्फॉर्मेशन पड़ी उसने वही सच मान ली, किसी ने वेरीफाई नहीं की। अरे भाई, आपको अगर कोई ये कहता है कि सुधीर खराब है तो कान पकड़ लो ना, सुधीर का भी और कान पकड़ लो उसका भी, दोनों को बैठा लो साथ साथ, बताओ भाई तुम दोनों आपस में कह रहे थे ये खराब है, बताओ, उनके मुंह नहीं खुलेंगे। ये पीछे पीछे होता है खराब और अच्छा, आगे कोई खराब अच्छा नहीं होता, आगे तो सब सोच समझ के बात करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन फेंकी, उसके बाद संघ तोड़ने की आवाज़ दूर दूर तक गई। जो संघ पावरफुल होता हुआ चल रहा था और जिसने दिल्ली के अंदर सबसे बेहतरीन अब तक का अपना एग्जाम पास किया है, उसके विरोधी लोग खुश हो गए क्योंकि संघ तोड़ने की आवाज़, हालांकि संघ टूटा नहीं है, उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी बनाया, संघ कभी नहीं टूटते। उसके बाद में आपस में वैमनस्य बढ़ गया, फोन, मतलब डॉक्टर यूवी सिंह ये कहते हैं, वैसे विपसना करके आए हैं कि मैं तीन लोगों से बात नहीं करूंगा, एक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात नहीं करूंगा, एक डॉक्टर रमेश चंद्रा से बात नहीं करूंगा, और एक सुधीर राज से बात नहीं करूंगा, और तीनों को वो ओपनली बोलते हैं। भाई आप बात क्यों नहीं करोगे? आप सामाजिक आदमी हो, हम सामाजिक आदमी है, हमने आपके कौन से बैंक अकाउंट से पैसे ले लिए, या आपने कौन सी हमारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली, हमारी कौन सा वैमनस्य है, हम सामाजिक प्राणी है, मैं तो समाज के नाते सबसे बढ़ जाता हूँ, कोई अगर काम करता है सामाजिक है तो मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, भाई सामाजिक काम है तेरे घर का थोड़ी है, या डिक्लेयर करो कि तेरे घर का है। तो डॉक्टर यूवी सिंह जैसे जो व्यक्ति परिपक्व हैं वो बच्चों जैसी स्थिति में आ गए, ये बड़ा नुकसान हुआ, वैमनस्य बढ़ गया हमारा। परिवारों में विवाद पहुंच गया, जिन परिवारों में एक परिवार में दो दो तीन तरह के लोग हैं, वहां परिवार के लिए जाएं या संघ के लिए जाएं, ये समस्या आ गई। ये सबसे खतरनाक समस्या है, क्योंकि हम कहां बात कर रहे हैं जोड़ने की, और कहां काम हो रहा है तोड़ने का। तो ये बंद होना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए, और ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान का एक सबसे बड़ा कारण था कि हम रोटेशन नहीं कर पाए। अगर कंचलता बहन जी को हम एंकरिंग से हटा के कोई और काम दे देते तो रोटेशन हो जाता तो एक व्यक्ति का चेहरा इतना आगे नहीं जाता। जब किसी व्यक्ति का चेहरा आगे जाता है तो अहम और ईगो साथ साथ आते हैं। इसलिए बार बार प्रकाश सिंह सर कहते हैं कि भाई काम का रोटेशन करो, और काम के रोटेशन को करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं जो काम शुरू में करता था, मैं छोड़ता जाता हूँ, वो काम नहीं करता, आते मुझे सारे काम है पर मैं छोड़ता जाता हूँ, और अब मैं जो कंसेप्ट है उसको मैं डेली नहीं देता, जब मेरी ड्यूटी लगाई जाती तब देता हूँ। अब कंसेप्ट देने वाले 20-22 आदमी आ गए हैं। ए के सिंह सर ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया, निर्देश सिंह ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया, जो क्या बोलते हैं हमारे कटके सर हैं वो तो मास्टर ही हैं, जो हमारे ये क्या बोलते हैं प्रकाश सिंह सर हैं वो तो पूरी स्पीड से बोलते हैं, उनकी तो ट्रेन नहीं पकड़ सकता कोई जब वो कंसेप्ट बोलते हैं। जो अभिषेक सर हैं वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट बोलते हैं, एमरजेंसी के अंदर जो हमारे योगिंदर सर हैं बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, और परिहार सर बहुत पोलैरिटी बहुत आराम से बोलते हैं, जो हमारे ये क्या बोलते हैं देसाई सर हैं उनका जो होता है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होता है, मार्वलस होता है। जो हमारी जो बहन जी हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं ये रंजना बहन जी बहुत बढ़िया बोलती हैं, इनके हस्बैंड बहुत बढ़िया बोलते हैं, हमारे लगभग सारे लोग ट्रेंड हो गए। अब 20-25-30 लोग ऐसे हो गए जो 40-40 मिनट का कंसेप्ट 50-50 मिनट का बोल सकते हैं, तो वो काम भी चला गया, अच्छा हो गया, रोटेशन में आ गया।
तो पहली दिक्कत ये हुई कि रोटेशन में नहीं हुआ, इसलिए रोटेशन का नियम बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा करेगा, जिससे कि उसके ऊपर निर्भरता खत्म हो जाए संघ की और संघ अपने पैरों पर खड़ा रहे। दूसरा ये हुआ कि जो हमारा संगति है उस संगति का हमने आरंभ में, मध्य में, संगति के खत्म होने में और उसके बाद में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। जैसे जबलपुर की जो संगति हुई थी ये हमारे संज्ञान में था कि वो अब संघ को नहीं मान रहे हैं, ये हमारी जानकारी में था कि उन्होंने संघ को एक तरफ से साइड कर दिया है। हमें ये जानकारी थी कि वो मीटिंग प्राइवेट हो गई, पर हम इस लालच में कि हमारी मीटिंग है खराब ना हो जाए, हमारा नाम खराब ना हो जाए, हम रुक रहे। इस छोटे से लालच की वैसे बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम मीटिंग को तभी कैंसिल कर देते और तभी ये डिक्लेयर कर देते कि ये मीटिंग संघ के नियम नहीं माननी है इसलिए ये कैंसिल की जाती है, ये वापस ली जाती है, तो झगड़ा नहीं होता और ये बात हमारी रुक जाती। इसलिए अब वो नियम भी आना है कि अगर कोई मीटिंग संघ के नियम पे नहीं चल रही है, क्योंकि अब मैं इसका ऊपर ठाक हूं तो मैं इसका प्रस्ताव करता हूं कि अगर कोई कमेटी, अगर कोई मीटिंग जो संघ के नियमों पर नहीं चल रही है तो उसको इमीडिएटली हाउस से पास करा के संज्ञान में लाके उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाए या उसको स्टॉप कर दिया जाए, और जो लोग उसमें जाएं उनको संघात में घोषित किया जाए कि जो संघी लोग हैं वो उस मीटिंग में ना जाए, और करने वाले तो संघात में आएंगे, क्योंकि ये संघ को तोड़ने की तरीका है। बुद्ध का संघ जब टूटा था तो 500 लोगों को देवदत्त अलग ले गया, संघ तोड़ा, तब संघात उसके लिए लगा, जिसके लिए कभी माफी नहीं मिली। इसलिए ये जो नियम है कि भाई किसी भी हालत में जब भी ये लगे हाउस को कि ये मीटिंग प्राइवेट हो गई है या संघ के नियम नहीं माननी है, उसको तुरंत वापस कर लिया जाए और उसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए। और ये जो यहाँ जो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करते 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 उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और हैबिचुअल होने के बाद में वो दूसरा काम पकड़ना नहीं चाहते हैं, या तो उनसे काम वापस ले लिया जाए और या फिर उनको साफ साफ कह दिया जाए कि एक काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। क्योंकि संघ में जब चेहरा जाता है तो लोगों को नहीं पता होता कि संघ व्यक्तिवाद से परे है, पर कोई व्यक्ति उस चेहरे का फायदा उठा के बाद में संघ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संघ के अंदर ये रोटेशन की पॉलिसी और चेन की पॉलिसी ये आनी चाहिए। ये सारा का सारा जितना भी किस्सा है ये किस्सा संघ को नुकसान पहुंचाया, इसके अंदर मैं भी दोषी हूं। मैं इस बात के लिए दोषी हूं क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात थी कि ये बात वहां से बिगड़ रही है, पर मैं ये सोच के कि संघ का नुकसान ज्यादा ना हो, चलो ठीक हो जाएगा, ऐसा है, मैं इसको रोक रोके रहा। अगर मैं तभी संघ के संज्ञान में इसको ले आता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती जितनी बिगड़ी है। और भी लोग हैं जिनके संज्ञान में थी। इसलिए ये नियम के अब जब भी किसी को ये जानकारी मिले कि ये संघ के नियम टूटे हैं वो तुरंत बताए, इसमें देरी ना लगाए, क्योंकि अगर आप छोटी गलती को छुपाएंगे या कोई नियम टूटा है अगर उसको ये सोच के छोड़ेंगे कि छोड़ दें तो वो बाद में नासूर बन जाता है, फिर बहुत बड़ा नुकसान करता है। और इसी बात के लिए मैंने यहाँ इतने सारा टाइम आपका लिया है कि आप सब लोग कुछ नियम पास कर दें। एक तो काम के रोटेशन का नियम, दूसरा जो ग्रुप हैं वो सारे ग्रुप जो डिजिटल कमेटी है वो चलाए, तीसरा जो ये हमारा यहाँ जानकारी के अभाव में नुकसान होता है तो कोई भी आदमी जाए या संघ को छोड़े तो एक बार संघ को फेस करके जरूर जाए, संघ को बता के जाए, ताकि संघ भी अपने आप को सुधार ले और उस व्यक्ति की हो सकता है कोई गलतफहमी हो जिससे कि वो हो। क्योंकि यहाँ एक समस्या हमारे साथ ये भी आई कि जो लोग यहाँ संघ में बैठे हुए हैं उन पर तो आप संघ का नियम चला दोगे, पर जो संघ को पहले ही छोड़ के मन बना गए और चले गए, संघ को छोड़ गए, संघ को मान्यता नहीं देते, उन पर संघ का कोई भी सजा कैसे अप्लाई होगा? तो उसका भी एक नियम बनाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बिना संघ को बताए, संघ की अनुमति के लिए बिना संघ को छोड़ता है, संघ को बिना जानकारी दिए संघ को छोड़ता है, तो उस व्यक्ति का घर तक पीछा किया जाए। यानी कि जो वो व्यक्ति संघ को नुकसान पहुंचा के गया है ये बात सबको बता देनी चाहिए कि ये व्यक्ति संघ को बिना मान्यता के, बिना जानकारी के संघ की छोड़ गया है, इसलिए इसकी किसी बात पे यकीन न किया जाए और उस पर कुछ ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी संघ को बिना बताए जाने की हिमाकत ना कर, क्योंकि आए तो यहाँ अच्छे मन से आए पर जाए तो अच्छे मन से ही जाए। जाए जिसको जाना है, संघ बार बार कहता है जाओ फिर आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर इस तरह से संघ की बेइज्जती करके या संघ को छोड़ के या संघ को लात मार के या संघ को तवज्जो नहीं देके या संघ को इग्नोर करके या संघ की बिना सुने या संघ को बिना कहे जाना, ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने माँ बाप को बिना बताए उनका घर छोड़ के चले जाते हो, कह के जाओ क्या दिक्कत है, यहाँ कौन सा पैसा लेता है या कौन फीस है, बस दुआ सलामी होगी तो अच्छा बना रहेगा। इतना सा मेरा निवेदन है हाउस से। धन्यवाद सर।
बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। साधु 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 साधु, बहुत अच्छा सर, बहुत साधु साधु साधु, पूरा डिटेल में ब्यौरा दिया सर। दिल साहब बहुत शानदार सर, बहुत दिल दिल साफ था इसलिए ब्यौरा दिया, बहुत दिल साफ है। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी और अच्छे सुझाव दिए सर। अगर किसी का सर, अगर किसी का सभापति महोदय, सभापति महोदय सर, आर एस की तो सर कंटिन्यू करें। हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, सर आपका इंटरनेट स्टेबल है? आरएसक्यू सर आपका नेट सही चल रहा है? चल रहा है सर, चल रहा है सर, कंटिन्यू कीजिए। स्पीकर सर का इंटरनेट नहीं चल रहा है शायद ठीक से। सर मेरे पास वो हैंड रेज नहीं शो कर रहे। वो कोई समस्या नहीं आ रहा है सर, मैं लैपटॉप पे हूँ, अगर आप कहें तो मैं कर देता हूँ। आप कर दो सर, मेरे पास आने दे सर। सर आवाज आवाज टूट रही है आपकी। सर आपका इंटरनेट शायद स्टेबल नहीं है। योगेंद्र सर सही चल रहा है सर, उनका सही चल रहा है, आप बोलिए। इनका नेट ठीक चल रहा है अभिषेक सर। सर जिनके जिनके माइक खुले हुए हैं वो प्लीज अपने माइक बंद कर लें, तो सभी की आवाज ठीक आएगी, सबका इंटरनेट ठीक हो जाएगा। अनावश्यक रूप से जिनके माइक खुले हुए हैं अपने माइक बंद कर लें प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर सर कुछ हैंड रेज ना, अगर आप कहें तो हैंड रेज ले लें एक एक करके। जी हैंड रेज पहले ले लिया जाए। सुरेश चंद सर, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। सभापति महोदय मेरा निवेदन है, दो लोग चैट बॉक्स में कुछ मैसेज डाले हैं, एक बीडी गौतम सर और एक योगिता रंगारी सर, वो कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी बात सुन ली जाए, मेरा विशेष निवेदन है। जी जरूर, उनका हैंड रेज है सीरीज में। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर। जी सर, ऑनरेबल स्पीकर महोदय, अभी हमारे सुधीरदास सर ने जो ब्यौरा दिया, सचमुच कुछ गलतियां हुई हैं। जबलपुर संगीत में सबसे पहले जब मैंने ग्रुप में 10 लोगों का नाम डाला तो मुझसे फ़ोन पर बताया गया कि आपने जो है ना ज़्यादा नॉन मेडिको डाल दिए हैं। मैंने इसका विरोध किया, डॉक्टर रमेश चंद्रा ने भी विरोध किया, डॉक्टर स्वामी ने विरोध किया और हमने नेटवर्किंग कमेटी में एजेंडा भी डाला था। लेकिन फिर बाद में जैसा सुधीर सर बता रहे हैं कि कहीं और ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए इसको डाइल्यूट कर दिया गया था, ये वास्तव में मिस्टेक हुई थी, दंड देना चाहिए था। अब ये और स्पष्ट कर दें कि ये जो जो लोग इस तरह का उन्होंने जो कार्य किया है वो किस श्रेणी में है, उनको क्या अभी अभी तो सिर्फ उनको ग्रुप से बाहर किया है, क्या उनके लिए कोई प्राविधान है? रीरा सर, सर अगर वो हाउस को फेस करते हैं तो हाउस, क्योंकि तो वो एक नियम ये होता है कि जो नौसिखिए होते हैं जिनको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि वो परिपक्व हो गए हैं, भिक्खु बन गए हैं या सारे नियमों को जानते हैं, अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं तो हाउस उनको माफ कर सकता है सर, क्योंकि हाउस के जो रूल हैं वो पके पकाए लोगों के लिए होते हैं। तो अभी हम ना 15 अगस्त के बाद से वो नियम भी बनाएंगे कि भाई जो पके पकाए लोग हैं उनके क्या नियम हैं,
अगर वो नियम पास कर लेते हैं तो पके पकाए में है। अभी सारा हाउस कच्चा चल रहा है, किसी के पास इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि वो पका पकाया है, तो हाउस चाहे तो माफ कर सकता है, पर हाउस के सामने आए तो सर कोई आता तो है नहीं हाउस के सामने, हाउस की एग्जिस्टेंस नहीं मानते वो लोग। अभी अभी सर उनको पेंडिंग में रखा जाएगा क्या, उनका स्टेटस रहेगा अभी कि सर जो बच्चा स्कूल आता है मास्टर उसको तो दंड दे सकता है, सिखा भी सकता है, पर जो स्कूल नहीं आएगा बच्चा उसका क्या कर लोगे आप? वो तो आने वाले तो है नहीं है सर, हमें उनके आने के या ना आने के संघ में 50 लोगों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, संघ में इस बात से फर्क पड़ता है कि आप संघ की सच्चाई कितने परसेंट प्योर रखते हैं। अगर हम संघ की सच्चाई को 100% प्योर रखते हैं तो वो लोग भी आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी आना तो संघ में ही है, तो वो भी समझ, अब उनके आने का रास्ता वो खुद तय करें कि वो हाउस को फेस करके आएंगे, किसी के थ्रू आएंगे, पर टेबल टॉक नहीं हो सकती सर, संघ में कभी टेबल टॉक नहीं होती। मैंने कोई नहीं पढ़ा कि भगवान बुद्ध से कभी कोई बंदा बंद कमरे में बात करके निगोशिएट करके संघ में आया हो। बुद्ध ने जितने भी काम किए वो खुले में किए, वो अपनी कुटी में अकेले जाते थे, बस आनंद को परमिशन थी कि आनंद वो इसलिए आते थे कि वो ये बता सके कुछ लोग मिलने आए हैं या आज क्या कार्यक्रम है या कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बाकी सारा काम पूरा जीवन बुद्ध ने जो संघ के लिए चलाया वो खुले में चलाया है, और हम भी उसी नीति पर चल रहे हैं कि सारा काम बिल्कुल पोर्टल पे खुला चलेगा, हमें कोई डर नहीं है इस बात का। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए सर। गुलचंद सर। जी सर। हेलो, बोलिए। सभापति महोदय जी सबको नमस्कार। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी जानते हैं कि संघ को किसी भी कारण से नुकसान तो हुआ है, हम इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे ये मेरा क्वेश्चन है सर, और आने वाले टाइम में हम संघ को नुकसान होने से कैसे बचाएं ये भी मैं, इसमें कोई संदेह नहीं है सर कि अभिषेक राज जी हैं या और कोई है सुधीर राज जी हैं, उनके संघ के प्रति जो भावनाएं हैं बहुत अच्छी हैं और आगे बढ़ाने की हैं, यही बात है सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, बोलिए सर। जितने भी हम नियम बना रहे हैं या नियमों को ठीक चलाने के लिए बता रहे हैं, मैं गुलशन सर को ये बताना चाहूंगा कि इन नियमों से, इन नियमों पर चल के संघ आगे बढ़ेगा, और जो लोग गए हैं उनके लिए संघ के पास माफी है, पर कोई संघ के सामने आए तब, और ना भी आए देर समय जब भी आएंगे, आना तो सर संघ के सामने पड़ेगा, क्योंकि संघ सबसे बड़ा है, संघ सुप्रीम है। कोई व्यक्ति अगर संघ को बाईपास करके कुछ करना चाहेगा वो नहीं हो पाएगा सर। इसलिए यहाँ जो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हमें सारा काम संघ के अनुसार, संघ के लिए और संघ का करते हैं हम लोग, बाय द संघ फॉर द संघ ऑफ द संघ, ये हमारे संविधान का भी नियम है और ये हमारे संघ का भी नियम है। इसलिए काम तो बढ़ेगा सर, गुलशन सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, और ये नियम बन रहे हैं वो नियम इसलिए बन रहे हैं कि जो गलतियां हो चुकी हैं वो दोबारा ना हो, और इसीलिए जब भी कोई गलती होती है तभी कोई ना कोई नियम बन जाता है। जैसे 15 मई को एक ये देखा गया कि भाषण देने के चक्कर में हमारे कई खास लोग चले गए, जिनको हम ये समझते थे कि जीवन भर संघ में रहेंगे, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, और सिर्फ इसलिए कि उनके जो भाषण देने का टाइम है वो कम कर दिया गया, या उनसे कहा गया कि भाई आपके स्पोक नहीं आए, इसलिए जिन जो जो लोग स्पोक बनाए हैं कमिटी ने तय किया है कि वही लोग बोलेंगे, टाइम बचेगा तो आपको देखेंगे, पर वो लोग चले गए। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं आए कि हमारा बोलने का होगा नहीं, हम नहीं जाएंगे, कई सारे नेता टाइप के लोग नहीं आए जिनको बुलाया था कि हमारा बोलने का क्या है, तो फिर भाषण ये तय किया कि भाषण ही नहीं होंगे आज के बाद, तो 1 जुलाई को जो हाउस लगा था उसमें भाषण ही खत्म कर दिए, वो झगड़ा ही खत्म हो गया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर पता किया क्या कि पहले भी संघ में भाषण होते थे, तो पता चला कि बुद्ध तो चुप ही रहते थे, वो तो सिर्फ जब कोई झगड़ा आया तो कुछ थोड़ा बहुत बोलते थे और रिपीट तो कभी करते नहीं थे, और बाकी जो उनके जो और जो लोग हैं वही काम किया करते थे, तो जब वहां कोई भाषण नहीं होता था तो हम ही क्यों भाषण कर रहे हैं, इसलिए भाषण सर बंद हो गए। तो जैसे जैसे कमियां आ रही है वैसे वैसे संघ बहुत तेजी से, और ये संघ की बहुत खूबसूरत बात है कि कोई भी गलती कोई भी कमी आती है उसको तुरंत ठीक कर लेता है, और जितनी स्पीड से हम ठीक कर रहे हैं इतनी स्पीड से तो देश में पार्लियामेंट में ठीक नहीं होता कुछ।
जी सर राम लॉट बॉज सर नेक्स्ट हैंड रेज सर और सर बोलिए यस सर सर मुझे तो ऐसा लगा हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं सर मुझे तो ऐसा कुछ महसूस हुआ कि इन लोगों का ईगो कुछ हर्ट हुआ इसमें जिसकी वजह से छोड़ संघ को छोड़ करके अपना जो है दूसरा संघ बना करके और दूसरा पोर्टल खोल करके अपनी मीटिंग होती कर 35-35 लोग जुड़ते हैं मेरे पास भी लिंक आता है एक आध बार मैं जुड़ करके देखा भी तो ये इसमें जो मेन कारण लगता है इनका ईगो हर्ट हुआ इनकी भाषणबाजी ढंग से नहीं चल पाई और मंचमाला इनको नहीं मिल पाया मतलब ये स्वाभिमान के रूप में मतलब इसमें जो अहंकार है वो खो करके नहीं आ पाए संघ में जुड़े इसी नाते वो लोग चले गए बाकी उनको संघ की जो महत्ता है वो जिनको समझ में आती वो तो यहाँ रुके हुए हैं वो कहाँ जाने वाले हैं सर तो मेरा यही कहना है मुझे तो ऐसे लगा और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि केवल सुधीर राज सर इसमें बोलते हैं और कोई नहीं बोलता अरे हमने कहा सुधीर राज सर को नॉलेज है सुनाते बोलते हैं उनसे लोग पूछते हैं उनसे लोग जानते हैं उन्होंने संघ को लाने के लिए पहले पहल पहल किया है तो ये सब बातें हैं सर बाकी तो सब ठीक सर संघ चलेगा और ये जो जाने वाले लोग हैं उनको कोई रोक नहीं पाएगा वो भागेंगे उनका ईगो हर्ट हुआ उनको मंचमाला चाहिए तो वो कहाँ यहाँ मिलेगा आप मंचमाला देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे तो उनको भागना है और जहां पैसे की बात होती तो वहां रगड़ा तो होता ही है सर उसमें कोई ना कोई बात बिगड़ती ही है सर चाहे कोई संगठन हो चाहे घर का ही हो जहां पैसे का मामला आ जाता है तो अगर कई मति हो जाती तो उसमें जो है लोग बवाल करते ही हैं झगड़ा करते ही हैं सर तो यहां तो पैसे का भी कोई इस तरह का कोई लेन देन नहीं है कि जो है मंचमा वो जो है चंदा लिया जाए या कोई विशेष योगदान लिया जाए ऐसा तो है नहीं सर तो यही सब बातें हैं सर ये दूसरा संघ बना कर यहाँ 30-35 लोग मीटिंग करते हैं जिसमें डॉक्टर यूवी सिंह भी हैं डॉक्टर वीएस लाल हैं ये निरंकारी सर हैं ये लोग इन लोग मतलब अपना एक ईगो बना के रखना चाह रहे थे संघ में जो नहीं चल पाया तो ईगो वाले यहाँ कहाँ रुक पाएंगे सर संघ में बाकी जिसको भागना है वो कोई ना कोई कारण बता के तो भागेगा ही अरे जिसको कोई दिक्कत है कोई परेशानी वो आके अपना जो है संघ में आकर के बात करे पोर्टल पे आके बात करे सारे लोगों के सामने अपनी बात करे और बताए तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ सर नमो उद्धार जय भीम सर योगिता रंगारी बहन हाँ सर जय जय भी नमो बुद्धाय संगम नमामि आवाज आ रही है मेरी आ रही है आ रही है हाँ ये जो सभी लेडीज बहुत सारी लेडीज जो ग्रुप छोड़ के चली गई है उनका रीजन क्लियर क्लियर अभी तक मालूम नहीं हुआ कि रीजन क्या हुआ अभी आपने जो बताई हो मैंने वो कांचन लता बहन जी को बीच में फोन करी थी और बबली हीरा मैडम से भी बात की थी बबली हीरा मैडम बोल रही थी कि मुझे भगोड़ी का बोल रही थी और कांचन लता मैडम बोल रही थी कि हम लोग ये जो मीटिंग लेने वाले हैं तो उसमें हम लोग पहले डॉक्टर लोगों की लेने वाले थे जो आपने बताए थे और फिर हमने इनको बाकी सबको ऐड किए तो उसमें कुछ ईगो हर्ट हुआ है ऐसा कुछ बोल रहे थे मैंने तो उनसे बात करी थी तो कुछ कुछ मुझे भी उनको उनका ऐसा ही लगा कि उनका भी कुछ थोड़ा ईगो हर्ट हुआ है पर उन्होंने बोले थे कि मुझे मुझे किसी ने कुछ बात बराबर नहीं की करके कांचन लता मैडम बोल रही थी तो मैंने बोली बोले कि या आपको जो भी करना है सुधीरा सिंह का भी सर का फोन आया था बोले तो मैंने बोली बोली कि ग्रुप में बात करो कि अकेले मत करो तो मैं बोली जब आपको आंसर उन्होंने कुछ कहा भी किसी ने तो आपको अगर अकेले में मैसेज आया अकेले में कुछ कहा है और आपको बात बुरी लगी है तो ग्रुप में बात करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट बात करो और मैटर को क्लियर करो बोली ग्रुप छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है
और छोड़ के जाओगे जाओगे भी तो कहाँ जाओगे और कहाँ का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाओगे, बोले ऐसा तो मैंने उनको समझाई हूँ, पर बाकी मेन और क्या बात हुई वो अभी तक मुझे भी रीजन डिटेल में मालूम नहीं हुआ, क्योंकि बीच बीच में मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैंने ध्यान भी नहीं दिया पहली बार। तो ये जो हो गया इनको समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है उनको भी अपने ही लोग है, अपने ही आके गए हैं, तो अब ऐसे उनको किसी किसी को बात करने के लिए कह के वो बोल रहे थे, और कि जो ग्रुप है उनमें उनका जो लेडीज का ग्रुप है उनमें डायरेक्ट वो सुधीरराज सिंह सर जो है वो ग्रुप में बात करते थे, वो जो अनीता राज मैडम है उनके भी उनका हमारा लेडीज का ग्रुप भी ये जेंट्स लोग पढ़ते हैं तो उनमें भी वो कमेंट्स करते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। जो भी मैटर है तो आपने कहना तो चाहिए कि नहीं, इंटरनल अगर है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये लेडीज का ग्रुप है मत देखो, बाकी कोई कमेंट्स ना करे, जेंट्स अगर करता है तो आप वही भी बता दो ना, जब तक बताओगे नहीं सोल्यूशन उनका हल निकलेगा नहीं, ऐसा मैंने बोली थी पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा और क्या हुआ, और एक बार बात करनी पड़ेगी उनसे, और जैसे जैसे लोग अपन जोड़ने और जुड़ने का काम कर रहे हैं तो लोगों का जुड़ना जरूरी है, कुछ भी हो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रही तो अच्छा है, एकदम इतने मैच्योरिटी आई नहीं है सभी लोगों में और इतनी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है और समर्पित नहीं है, जो भी है सबको कुछ ना कुछ ईगो है, या फिर किसी को फोटो सेशन रहता है तो किसी को लीडरशिप रहती है, किसी को पैसे का ईगो रहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ ईगो रहता है, तो इतना सारा अंडरस्टैंडिंग करना यानी बहुत बड़ी बात है, इतना वो अकेले आदमी को झेलना मतलब इजी नहीं है, इतने लोगों को एडजस्ट करके चलना, और संघ में कैसे सभी लोगों को जैसे बोलने का उनको भी ये है कि सब हमको बोलने नहीं देते, और वो जो लंदन वाले साहब थे वो भी बोल रहे थे, बोले कि हमको 2 मिनट या 5 मिनट दिए, और ये खुद वो सारा टाइम बोलते रहे दिल्ली में, तो बोले जब निर्माता ही वही है सभी रूल रेगुलेशन उन्हीं से चालू हुआ है तो वो तो कहेंगे ही ना, और जो भी नियम है वो उन्हीं के रूल से चालू हो गए सभी उन्हीं का है, तो अपनी बात रखे, किसी का डुप्लीकेट थोड़े ही मारे हैं, जो हमने जो बताए वो उन्होंने नहीं किए, वो जो बता रहे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना, उनको क्या बात कर रहे हैं या बता रहे हैं तो क्या फर्क पड़ा, जब हम लोग आएंगे हो हम लोग सीखेंगे तो धीरे धीरे हम भी कहने लगेंगे, ऐसा मैंने उनको समझाई थी, पर अभी क्या हो गया मालूम नहीं। और आप जो बोल रहे हो या वो MP वाली मैडम, तो सही में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनका, वही लीडरशिप का बोलो या कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, पर इतनी सारी महिलाएं अगर चली गई तो वो बात ठीक नहीं है, और जेंट्स भी बहुत सारे निकल गए हैं, तो अभी कुछ ना कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाइएगा, और जो भी मेडिएटर है उनसे उनको अटैच करके जो प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं तो एक बार मीटिंग जैसे समाज संघ की मीटिंग लेकिन उनको बुला लिए तो अच्छा रहेगा, और पूरे प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम एक है और एक ही रहना है। बहन जी आपकी बात सुन लीजिए, अभी नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। विक्रम महोदय टाइम 22:47 हो गए, 40 और एजेंडे और भी होंगे स्पीकर महोदय, शायद 3 एजेंडे हो रहे हैं। नेक्स्ट एजेंडा लिया सर, नेक्स्ट एजेंडे जितेंद्र कुमार स्पीकर सर, इसपे बहुत सारे लोगों के हैंड रेज्ड हैं, बाद में लास्ट में देख लेंगे, पहले एजेंडा ले लिया जाए। स्पीकर सर जी, वो जो इसमें कुछ प्रस्तावित थे, क्योंकि सबके अगर बात आएगी तो प्रस्ताव ही पास होने हैं सर, वो तो नेक्स्ट एजेंडा तो प्रस्ताव पास होने के बाद ही आएगा, इनके हैंड रेस के बाद किसी का कोई वो आ सकता है उसमें, तो सुनना पड़ेगा सर उनको। ठीक है फिर ले लीजिए जो योग्य लगे हो। रविंद्र कुमार सर जी, सर सभापति महोदय जो सुधीर सर ने जो बात कही है उस पे बात कहनी है या हमें अपना एजेंडा पेश करना है? मेरी आवाज आ रही है?
जी बोलिए अंदर सर, आपका हैंड रेस बात पे है। जी हाँ जी, मेरा हैंड रेस जो सुधीर सर से बात हुई वो बात कर रहे थे उस पे है। अगर सदन चाहेगा तो हम पूरी बात बता सकते हैं। जो लोग गए हैं हमारी प्रत्येक सदस्य से बात हुई है और हमने प्रयास भी किया है प्रत्येक सदस्य से कि वो वापस आए। हमने उनसे एक एक बार एक एक चीज पे दो दो घंटे बात की है और हमने प्रयास किया था कि सभी एक साथ बैठकर एक बार में जो है पूरी मीटिंग कर ली जाए, जिससे कि हमने उनसे जगह भी मांगी थी कि आप जहाँ जगह बताएं वहाँ आ जाएंगे, जहाँ आप जगह बताएं या हमें बता दीजिए हम कर लेते हैं। पूरे दिन 24 घंटे की जो मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोग जा रहे हैं उसको ना जाएं। हमारी बात करमवीर सर से भी, राजकुमारी बहन जी से भी, डॉक्टर यूएस लाल सर से भी हुई, सर निरंकारी सर से भी हुई, डॉक्टर यूवी सिंह सर से भी हुई है, बहन कंचन लता जी से भी हुई है और बाकी जो बहनें गई हैं उनसे भी बात हुई है, बबली हीरा बहन जी से बात हुई है, बहल सर से मेरी बात सिर्फ एक बार 5 मिनट हो पाई है। सभी की जानकारी हमने इकट्ठी की है कि वो किस वजह से गए हैं और कैसे गए हैं, और हमने कुछ लोगों से इसके संबंध में डिस्कस भी किया था। अगर जब भी चाहेंगे, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, कम से कम बताने में मुझे आधा घंटा समय लगेगा। अंदर तो सर, जी जी जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने उनको ऑफर दिया कि आप जूम पे आ जाइए, सब लोगों के साथ में बैठ के बात होगी, और मैंने भी आपसे निवेदन किया था कि भाई आप सबको बात करके कहो कि जूम पे सबके सामने आएंगे और जो जज होंगे वो सारे के सारे स्पोक्स होंगे और बाकी वो अपनी बात कर रहे हैं और जिससे जवाब लेना है वो जवाब देगा, तो साथ बैठ के आने में दिक्कत क्या महसूस हो रही है उनको? हाउस का सामना करने में क्या दिक्कत महसूस हुई? सही बात तो ये है कि कुछ गलतियां की हैं उन लोगों ने, लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर आप हाउस के सामने पूरी बात रखेंगे तो ये गलतियों में मतलब कोई बड़ी गलती नहीं है, ये तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ये सारा कुछ सही हो सकता है। और हाँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि हम डेट देते हैं आपको, लेकिन उन्होंने आज तक हमें डेट नहीं दी है। हमने पूरा एक महीना लगाया इस काम के लिए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी डेट नहीं दी है। राजकुमारी बहन जी ने कहा था कि हम जब बताएंगे आप आ जाएंगे, तो हमने कहा हमें डेट दीजिए, और बाकी लोगों ने भी यही कहा था, लेकिन किसी ने मुझे डेट नहीं दी कि किस तारीख को आना है, इकट्ठा होना है। हमने तो मतलब जूम मीटिंग के लिए और डायरेक्ट बैठने के लिए बात कही थी, जहाँ बताइए अगर नई व्यवस्था है हम व्यवस्था करवाते हैं। आपने सब लोग जाइए, आपने कभी उनको इस बात के लिए कहा कि भाई आप गलती पे गलती की हो या ना की हो, पर आप जो अलग से डिक्लेयर किया आपने जबलपुर के अंदर कि आप अलग से मीटिंग करेंगे, ये जो आइडिया जिसके भी दिमाग का रहा है या जो भी लोग वहां बंद कमरे में बैठे, वो कभी आपने ये नहीं कहा उनको कि भाई ये संघ के लिए बिल्कुल घातक है, ये तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो? जबलपुर में जब हमें मौका मिला था या अपनी मतलब बात संघ की बात कहने के लिए, तो हम जबलपुर गए थे तो हमने ये बात सारी चीज रखी थी। जब उन्होंने कहा कि मैं जमीन दूंगा, बैक टू पे बैक टू सोसाइटी के लिए बात की थी, उस संबंध में मैंने उनको बहुत ही उधार दिए थे, कई उधार दिए थे, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनको जानकारी है इस चीज की। बाद मेरे पास वीडियो भी अगर कहें तो हम डाल देंगे। चलिए, आप अपना प्रयास जारी रखिए, अगर वो संघ के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, संघ के सामने करने को तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में संघ को। सर मैंने उनसे 15 दिन से बात करना बंद कर दिया है। अतेंद्र सर आपने बात की, उन्होंने कहा कि भाई कोई समस्या बताई, मुख्य मुख्य समस्या उन्होंने क्या बताई कि हम किस लिए गए? मुख्य समस्या वो बता रहे हैं इस चीज के लिए कि जैसे वो बहन जी ने बताया है कि बोलने में मौका नहीं दिया जाता है, तो मैंने उनसे कहा कि तो गलत बात है, बिल्कुल आपकी मतलब निराधार बात है ये, तो क्योंकि वो भी इतना कंसेप्ट का ही नाम देता है, उसको कंसेप्ट पे बुलाया जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं वो मानने को तैयार नहीं है। पर उनको तो ऑनरेबल स्पीकर सर, एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है परिहार सर ने 3 दिन दिए लगातार उनको बोलने के लिए, वो आई नहीं बोलने के लिए। स्पीकर महोदय, मेरे को उनका मैसेज आएगा, एक दो बार वो आए नहीं, बाद में उनका एक मैसेज आया, एक आधी बार बहाना बनाया, तो कहें मुझे ना संघ की समझ नहीं आ रही,
इसलिए मैं नहीं आना चाहती, मतलब उनको 1 साल हो गया था, तो उसके बाद मैंने उनका नाम कभी डाला नहीं, बाद में 1-1.5 महीना जो भी है, कि जब आप कहोगे जब लगा देंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं समझ आई तो बस, और कोई बात हुई तो काफी अध्यक्ष नहीं महोदय, तो कभी कहते थे टाइम नहीं है, मीटिंग में है ज्यादा, कभी आऊं कभी आऊं, ऐसे मैसेज आ जाते थे। फाइनली 5 साल 5-4 बार के बाद उनका एक मैसेज, तो फिर वो क्या उनका मतलब कंसेप्ट क्या लगना था, डॉक्टर्स की मीटिंग तो अलांग को खुद ही करते थे, जो डॉक्टर्स वाली मीटिंग होती है वो खुद ही लगाते थे ड्यूटीज, वैसे सिर्फ जारी मेरे से, मैं मतलब एज ए मतलब प्रोटोकॉल ऐसे होती थी, जैसे मतलब मेरी कमेटी करती है अभी, यहाँ ठीक है सबसे राय लेके करते हैं नाम लेके। अध्यक्ष महोदय, कार्ड पूरा ये है कि उन लोगों को बहुत जल्दी पे बैक सोसाइटी चाहिए, मतलब पूरा उन्होंने निचोड़ निकाल देखा है, तो वो जितने भी सदस्य गए हुए हैं यहाँ से, वो चाहे वो क्या नाम उनका है, संजीव बडनान भी हों, उनसे ही मेरी बात हुई है, वो भी सिर्फ पे बैक सोसाइटी के पीछे पड़े हुए हैं सभी लोग, जो इतनी जल्दी हो नहीं सकता है, क्योंकि जब इतना समय लग गया है हर चीज बनाने के लिए, तो इतनी जल्दी कुछ नहीं सकता है, समय लगेगा हर चीज को, वो धैर्य नहीं है उनके अंदर, धैर्य नहीं है, इसलिए वो लोग भागे हैं, लेकिन वो वापस आएंगे, ये भी मुझे बातों से लग रहा है कि वापस आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट एंडे दिया जाए और समय का ध्यान रखा जाए, क्योंकि 10:50 हो चुके हैं, सभी जो हैंडेज वाले हैं सभी कम से कम उनसे मिले। नेक्स्ट बोले हरीश भगत सर। संगम नमामि सभी सभापति महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है छोटा सा। जैसा अपना ये अपना संघ सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जो नियम बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बगैर नियम से तो कुछ चल ही नहीं सकता। जैसा हम जो संघ में आते हैं तो उनको हम उनको निकालने के, या जो भी हम नियम बना रहे हैं, जो संघ का नियम को मानेगा नहीं उसको हम, जैसे सुधीर सर ने अभी सारी चीजें बताई कि उसको पहले तो माफ करेंगे या फिर बाद में उसको सिखाएंगे, तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसा संघ से बाहर निकालने के लिए हम नियम बना रहे, तो कुछ संघ में आने के लिए भी कुछ हम नियम बना सकते क्या, ऐसा मेरा एक सवाल था। जैसा स्कूल में दाखिला लेते हैं तो कुछ चीजें होती है, वैसा भी हम कुछ कर सकते क्या। और दूसरी बात सर, अभी जैसे अतेंद्र सर बोल रहे थे तो जबलपुर के मीटिंग में तो मैं था, सारी चीजें मुझे मालूम है, और मेरे स्वभाव के हिसाब से तो मैं इधर की बातें उधर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जितनी बात समझ में आ गई कि सिर्फ गलत फहमियां हैं और वो गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, बस इतना कहना चाहता हूं मैं। धन्यवाद। नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट सोनू, सोनू बहन जी, सोनू बहन जी आवाज सुन रहे तो आए, नहीं उसके नहीं तो दिलीप कुमार सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को, संगम नमामि। मैं काफी टाइम बाद आज संघ की जो मीटिंग है उसमें, स्कोप की खासकर मीटिंग है उसमें जुड़ी हूँ। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ सबसे कि कुछ निजी कारणों की वजह से मैं काफी समय से समय नहीं दे पा रही हूँ, नहीं जुड़ पा रही थी। अब कुछ टाइम से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जुड़ना शुरू किया है। अगर मुझे संघ इजाजत देगा तो मैं एक सवाल तो अभी कमेंट में ही किसी ने लिखा है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। फिर जो दो सवाल ऐसे हैं जो मेरे खुद के नहीं है, जो समाज में बड़ी तेजी से प्रचलित हो रहे हैं, और जो हमारे भी स्पोक जो छोड़ के गए हैं उन लोगों के मुंह से भी मुझे सुनने को मिले हैं, तो उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगी, उससे मुझे मेरे साथ साथ और बाकी सब लोगों को भी उसके जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप परमिशन देंगे तो मैं वो पूछना चाहूंगी। स्पीकर सर अनुमति दी जाए, क्योंकि ये तो बहुत जी सर, सबसे पहले तो
अभी भी कमेंट में हम इस तरह की जो कमेंट बाजी है ना उनको बंद करें। अभी भी लिखा जा रहा है कि जो लंदन वाले साहब हैं वो जाति से कभी ऊपर उठे ही नहीं। तो हम किसी भी के लिए भी, मैं सिर्फ एक उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी के लिए भी जो भी लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं। और मैं वहां पे भी एक बार मीटिंग में जुड़ी थी तो मैंने वहां भी चीज कही थी कि इससे क्या हो रहा है, संघ का बहुत नुकसान हो रहा है और ये जो है स्क्रीनशॉट लेके ये मैसेज वायरल होते हैं और बहुत तेजी से वायरल होते हैं और ये वहां तक भी पहुंचते हैं जहां तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो अगर कुछ मतभेद हैं आपसी या कुछ मनमुटाव हुए हैं तो उनको कभी ना कभी समय के साथ रहकर हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट पे हम लिख देते हैं और लिखा हुआ जो है वो दूर तक जाता है, तो इस तरह की चीजें ना लिखी जाए किसी के लिए भी। ये मेरा सुझाव है, आगे आप सब लोगों की मर्जी है। दूसरी बात, जो दो बातें निकल के आ रही हैं और जो घूम रही हैं और दूर तक घूम रही हैं, पहला तो ये सुधीर भाई साहब पे ही है ये कि वो दिल्ली में केजरीवाल की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं और ये संघ कभी ना कभी जाकर पॉलिटिक्स में जुड़ेगा और आम आदमी पार्टी में जुड़ेगा। अगर ऐसा है, अगर वो पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, पॉलिटिक्स बहुजन समाज के लिए बनी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन वो छुपा क्यों रहे हैं समाज से, पहला सवाल मेरा ये है। तो मैं उसका चाहती हूँ कि भाई सर जवाब दें जिससे ये मैसेज और सब लोगों को भी जाए और मुझे भी जवाब मिले ताकि मैं हम और लोगों को इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब दे सके। और ये भी सुनने में आया है कि ऐसी कुछ गुप्त मीटिंग हुई है दिल्ली में जिसका मुझे, मेरे पास कोई मतलब एविडेंस तो नहीं है लेकिन ये बातें हैं सिर्फ। ऑनरेबल स्पीकर सर जी, एक जो सबसे बड़ी हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो ये है कि हमारे जो समर संघी है, और ये आपकी नहीं है सर, ये बहुत सालों से चल रही है, ये 2000 साल से, 2600 से, बुद्ध के बाद से लगातार चल रही है कि हम अपनी अच्छी बात को, अपनी बात को ये सोच के कि हमारी बात तो अच्छी है, हमें किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है, और जिनकी खराब बात होती है वो पूरे में प्रचारित कर जाते हैं, वो बात सच हो जाती है। हमने यहाँ जो नियम बनाया वो ये है कि कहीं भी कोई भी जगह हमें मिलती है जो फ्री की है और जो समण की है और समण विचारधारा के लोगों की है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसी को देखते हुए एक तो राजेंद्र पाल गौतम और उनके जो दो साथी हैं वो स्पोक हैं यहाँ, बल्कि चार साथी हैं वो जो स्पोक हैं, और बाकियों को हमने स्पोक का न्योता भी दिया। बटले भाई तरह फिर जैसे फोन शुरू हो गए भाई, है ये बात, हमने उनकी जो दिमाग टेंशन के काकरी कहीं में सलाह ही छलांग मार दी का अगर उनसे तो आए मने मने दिमाग, हमने जो उनकी जगह है बाकी लोग माइक बंद रखते हैं, जगह नहीं है बाकी लोगों का, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जो रेजिडेंस उनको मिला हुआ है उसमें 300-400 लोगों की सभा हो सकती है, वहाँ चाय पानी का और शेड का और उसका सब फ्री में इंतजाम हो जाता है, तो हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। तो हमने वहाँ लगभग, जब ये वी द पीपल वर्चुअल रूप से स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले भी एक संगति हमने लगाई है जिसमें कुछ संगठनों को हमने बुलाया था क्योंकि हमें जगह मिल जाती है, और वो जो व्यक्ति है वो नेता नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, ये पूरी दिल्ली बात जानती है कि वो खुद भी धमका काम करने के लिए अनाउंसमेंट कर चुका है। हालांकि हमारा, हमने उस आदमी का धमका जो एजेंडा है वो डाउन कर दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अगर कहीं कोई ऐसी बात होती कि भाई हम मिले हैं या जुले हैं तो हम उसका एजेंडा क्यों डाउन करते, और बहुत, जबकि पूरे हाउस ने पास कर दिया, अकेला मैं खड़ा हुआ था जब मैंने ये कहा था कि ये एजेंडा पास नहीं हो सकता, ये संविधान के विरुद्ध है, ये हमारे वी द पीपल के स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, और वो हमें डाउन किया। और उसके बाद में एक अकेला मैं ही व्यक्ति ऐसा हूं जो उस व्यक्ति को आंखों में आंखें डाल के ये कह देता हूं कि जो काम आप कर रहे हो वो संघ करेगा, आप नहीं कर सकते, आपका संगठन। मेरी आज भी बात हुई है, आज भी मैंने उनसे कहा है कि भाई अलग अलग क्या हो रहा है, आप भी धम्म दीक्षा कर रहे हो और उधर जो जो सुमित रत्न है उन्होंने भी 9 अक्टूबर का लखनऊ में किया हुआ, ये क्या है? आप कह रहे जी मेरे को इन्विटेशन आया, तो मैंने कहा भाई बैठ के बात करो, इसको कराते क्यों क्यों नहीं हो, तो हमने कहा एक मीटिंग फिक्स करो जिससे कि पता चले अलग अलग धमका काम क्यों करते हो सारे लोग, एक साथ करो जब करना धमका काम। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने उड़ाई जिन लोगों को ये बात लगी कि अरे ये तो संघ बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है। तीन मीटिंग हमने उनके यहाँ की और वो उस कार्यक्रम में आए भी, पर उस कार्यक्रम में हमने और भी लोगों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया। बीएसपी के लोगों ने जब हमसे कहा कि जी ये तो सबसे पहले ये बाम सेफ ने और बीएसपी ने प्रचार किया था हमारे अगेंस्ट में
कि ये फोटो वोटो लगा के जो हम फोटो लगाते हैं कि देखो ये आप पार्टी में है, फलाना है, ढरना है, तो हमने बीएसपी वाले लोगों से कहा कि भाई तुमको लगता है कि हम आप में चले गए, आप में चले गए तो तुम हमको जगह दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जगह ले लो। तो हमने कहा बोले कितने आदमी होंगे, मैंने 500 से ऊपर आदमी होंगे दिल्ली में, मीटिंग कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, रकाबगंज में जहाँ साहब कांशीराम जी का प्रेरणा वो लगा हुआ है, स्टेचू लगा हुआ है, उसमें मीटिंग हो सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि वो जगह तो आपको मिलेगी नहीं, वो तो मना कर दिया। तो मैंने कहा भाई तुम बोलना बंद करो फिर, जब तुम जगह दे नहीं सकते हो, जहां से हमें जगह मिलती है उसका प्रचार करते हो, तो वो तो चुप हो गए। पर बामसे वाले जो दो चार लोग थे जो शुरू में हमारे साथ जुड़े और वो बहुत देर तक साथ चलते रहे, उन बामसे के लोगों को ये लगा कि हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो वामन मेसराम के अगेंस्ट में कर रहे हैं। पर कुछ समय बाद उनको ये समझ में आया कि हम वामन मेसराम के अगेंस्ट में नहीं कर रहे, हम तो उन सारे संगठनों को नसीहत दे रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनमें उनका भी आता है जो बोरकर ग्रुप का था। तो बोरकर ग्रुप के दो तीन लोगों ने, जिसमें एक संजय मोहिते हैं, एक यहाँ मेरे मित्र हैं, बड़े खास मित्र, जो शुरू में साथ लगे थे, और वो शुरू में तीन चार लोग बामसेफ के इसलिए साथ लगे कि ये लोगों को बढ़िया इकट्ठा कर रहे हैं और ये सारे लोग बामसेफ में आ जाएंगे, यहाँ तो हर आदमी अपने ही उसमें आता है काम में। तो उन्होंने खूब प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो यहाँ जा रहे हैं, आप में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, जबकि उनको अच्छी तरह पता है, किसी को पता हो या ना पता हो, पर उनको अच्छी तरह पता है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, और वो संघ के स्वभाव को अच्छी तरह जान गए हैं, पर उनको संघ से ही डर लगता है। वो ये मान के चलते हैं कि भाई मेसराम तो अभी टूट गया है तो मेसराम तो खत्म हो जाएगा, पर संघ खत्म नहीं होगा, उनका सपना जो सपना है वो सपना का सपना रह जाएगा, क्योंकि ये संघ सबको समेटने वाला है। इसलिए वो इसके प्रचार में बहुत जोर शोर से लग गए। पर हमें खुशी इस बात की है कि वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, भले ही वो निगेटिव कर रहे हैं। देर सवेर, जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि सच्चाई और जो चांद है या सूरज है वो छुप नहीं सकता, थोड़े बहुत बादल आते हैं, थोड़े समय के बाद में छट जाते हैं, वो उनका धम्मपद के अंदर बताया हुआ है। इसलिए सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, आप बेधड़क होकर कह सकते हैं यहाँ रास्ता खुला हुआ है, जिसको जिस पार्टी में जाना है वो जाए, चला जा सकता है, पर वो एक्टिव समर संगी नहीं रहेगा, समर संगी तो रहेगा, कोई रास्ता बंद नहीं किया यहाँ, तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत है भी नहीं। और फ्यूचर में क्या, जिंदगी में कभी भी संघ कभी किसी राजनीतिक पार्टी में किसी राजा के चरणों में नहीं बैठा। जब बुद्ध थे, बुद्ध कभी भूखे रहे, एक चीवर में रहे, उनका जो भिक्खु संघ है वो परेशान रहा, एक बार तो उन्होंने घोड़ों का जो खाना होता है वो खाया, पर राजा की शरण में खाना मांगने नहीं गए। ये संघ की खास बात होती है कि वो मर सकता है, मिट सकता है, पर किसी राज्य, किसी राजा, किसी सरकार के चरणों में नहीं बैठ सकता। चरणों में बैठते हैं सिर्फ संगठन, संघ कभी नहीं बैठता। ये बात सब अपने दिल में इसको बैठा लें। इसलिए संघ की इज्जत करती है दुनिया, क्योंकि संघ सर्वोपरि है, संघ सबसे बड़ी है। अगर आप संघी हैं तो इस बात को हमेशा अपने सर पे लगा के रखें कि आप किसी के आगे झुकने वाले नहीं, और अगर आप झुक गए तो आप फिर संघी नहीं हो। धन्यवाद सर। बहन जी, और कोई डाउट है? जी जी भाई साहब, एक 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 सवाल सिर्फ और है। बहुत बहुत साधुवाद आपका जो आपने जवाब दिया। मैं वैसे कोई नहीं होती हूँ संघ से पूछने वाली, लेकिन मैं सिर्फ वो सवाल कर रही हूँ यहाँ पे जो समाज में घूम रहे हैं और संघ की मर्यादा को कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं, जिसका जवाब मुझे भी मिल रहा है और मेरे साथ साथ और सबको भी मिल रहा होगा। दूसरी बात जो ये है कि महिलाओं की व्हाट्सएप पे जाके या ग्रुप्स में जाकर या उनको पर्सनली भी जो है अब शब्द कहे जाते हैं, जिसमें एक मैसेज मेरे पास भी वायरल हुआ जिसका ये कहा गया कि सुधीर भाई साहब ने लिखा है, जिसमें लिखा है कि अब सोनू जी का गाना पेश किया जाएगा महफिल को वो करने के लिए, मतलब मनोरंजन करने के लिए। तो इस तरह की लैंग्वेज आपके द्वारा लिखी गई है और वो राइटिंग आपकी है, और ये आप मेरे लिए नहीं और भी कई महिलाओं के लिए आपने बहुत कुछ लिखा है। इसमें भीष्म देवारिया जी के लिए भी आपने बहुत कुछ लिखा है और कंटिन्यू आप ही सबके लिए मतलब राइटिंग में बहुत कुछ लिख रहे हैं, ये भी एक मैसेज है सब जगह। देखिए बहन जी, जो भीष्म देवारिया हैं उनके लिए तो मैंने एक मैसेज बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि वो मेरी पत्नी का फोन नंबर मांगते हैं और वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और ये बीमारी में रात के 11 बजे फोन करते हैं और वो महिलाओं का ही संगठन बनाते हैं, कभी पुरुषों का नहीं बनाते हैं, और इस व्यक्ति से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए।
वो तो मैसेज मैंने बनाया था और वो मैंने सब में फ्लैश किया था, पर बाकी जो मैसेज आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि यहाँ बयानबाजी और मैसेजबाजी बहुत हो रही है और ये बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये नहीं पता चलता कि कोई आदमी खुद मैसेज लिख रहा है और खुद भेज रहा है या कोई और लिख रहा है। पर जैसा कि ए के सिंह सर ने ये बताया था, क्योंकि जो डॉक्टर यू बी सिंह है वो उनकी मिसेज के बड़े भाई हैं, उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कल बताया था हाउस में, कल या परसों की बात है, कि भाई वो ये कहते हैं कि सुधीर से परेशानी है। जब वो ये कहते हैं सुधीर से परेशानी है, तो वहां जो वो पांच सात लोग हैं, पांच सात ये ज्यादा नहीं है, मैं टिप्स में नाम बता सकता हूँ, एक डॉक्टर यूएस लाल है, एक डॉक्टर राजकुमारी बंसल है, और एक करमवीर बौद्ध है, और एक जी डी निरंकारी है, ये चार लोग हैं, बाकी पांचवें को तो फंसा लिया उन्होंने। तो ये जो चार लोग हैं ये बार बार कहते हैं पीठाधीश है, फलानाधीश है, वही कर रहा है, यही कर रहा है, संघ में कोई नाम नहीं दिखाई देता। बार कहा है कि संघ में व्यक्तिवाद नहीं होता है, मेरे को नेता बनाने में लगे पड़े हैं। और कितनी बार प्रकाश सिंह सर ने ये कहा है और बड़कर डाटा भी इस बात के लिए कि भाई आप सब लोग आओ या जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जितनी बार आप सुधीर दास सिंह का नाम लेते हो, चाहे अच्छा लो या बुरा लो, वो उतनी बार नेता बनता है, और जितनी बार सुधीर दास सिंह नेता बनता है उतना ही ज्यादा संघ को नुकसान होता है, क्योंकि व्यक्ति आगे जाएगा तो संघ पीछे रह जाएगा, और व्यक्ति पीछे रहेगा तो संघ आगे बढ़ेगा। हमने संघ बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जो मुक्ति है वो संघ में है। व्यक्ति में अगर हमारी मुक्ति होती तो इतने सारे व्यक्ति हमने तैयार कर रखे हैं, हर आदमी व्यक्तियों के पैर में पड़ा हुआ है, हर आदमी व्यक्ति की जय जयकार कर रहा है, हर आदमी व्यक्तियों का नाम ले लेके खूब गले फड़ रहा है, पर उससे कुछ नहीं होने वाला है। भाई साहब, मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने जो नाम लिए वो तो सिर्फ कुछ जेंट्स के हैं, कुछ महिलाओं के भी आरोप है, जिसमें मेरे लिए भी एक मैसेज जो है फॉरवर्ड हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि वो आपके द्वारा जो है पोस्ट किया गया है, और उसमें लिखा गया है कि जैसे मैंने भी बताया कि सोनू बहन जी आएंगी और अभी अपना गाना सुनाएंगी और रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पेश होगा। मैं इस तरह के पोस्ट जो आ रहे हैं महिलाओं के लिए जो लिखे हुए आ रहे हैं, तो आप उसका खंडन करते हैं कि वो आपने नहीं किए? मैंने किसी और से भी फोन करके नहीं पूछा, क्योंकि मैं संघ के सामने ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, देखिए पहली बात तो सुनिए कि मैंने सिर्फ एक मैसेज लिखा है और कोई मैंने मैसेज लिखे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरी जो वो वहां पे गंगाराम बौद्ध है उनसे मेरी बात हुई थी, एक घंटे तक बात हुई। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि तुम्हारे पोर्टल से जो मैसेज आते हैं लिख के, वो सीधे सीधे आप हमारा नाम लगा देते हो, आप ऐसे लोगों को एंट्री क्यों देते हो, आप ऐसे लोगों को एंटर क्यों कराते हो जो आपके यहाँ लिखते हैं, आप उनका वीडियो क्यों नहीं खुलवाते हो, आप उनका वीडियो क्यों नहीं चेक करवाते हो आप किसी की एंट्री देने से पहले। मैंने उनको ये भी कहा कि जूम के अंदर एक ऑप्शन है, जूम के अंदर ये ऑप्शन है कि कोई भी आपके यहाँ एंट्री करेगा तो पहले वो रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका फोन नंबर जाएगा या ईमेल जाएगा, आप उस ऑप्शन को क्यों नहीं लगाते हो, आप उस ऑप्शन को लगाओ कि कोई भी आदमी अगर वहां एंटर करेगा तो उसकी पहचान आपको पता चलेगी कि ये कौन है। दूसरी बात यह है कि उसमें एक ऑप्शन है कि जो भी व्यक्ति वहां आता है अगर वो आप ऑप्शन लगा दोगे तो उसकी वीडियो खुलेगी खुलेगी, तो आप उसकी वीडियो क्यों नहीं खोलते हो, आप क्यों नहीं देखते हो। भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप आरोप लगाते हो हमारे लोगों के पास में या पुराने लोगों के पास में, और हम ये कहते हैं कि आप खुद ही अपने नाम नाम से लिखते हो, खुद ही नाम लगाते हो और खुद ही हमें बदनाम करते हो। क्यों करते हो? ताकि आपके पास बदनामी से लोग आ जाएं। ये खेल बंद करो, आप अपने यहाँ ऑप्शन लगाओ कि कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ आता है तो उसका वीडियो खुलवाओ। गलती आप करो, लिखे आपके यहाँ, पोस्ट आप करते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप ले देते हो, नाम हमारे थोप देते हो। ये काम के हम अपने पोर्टल पर शुरू कर दें, हम यहाँ अपने चार लोगों को बोल दें कि तुम खूब यहाँ गाली गलौज करो उनके नाम से, फिर स्क्रीनशॉट लेकर हम भेजें, क्या तुम्हारी तरह हम भी पागल हो जाएं? ये बातें इतनी बार उनको बताई हैं, उनको समझ में नहीं आती है बात। जब आपके पास ऑप्शन है, जब आप रोक सकते हो, जब आप वीडियो खोल सकते हो, फिर क्यों बार बार शिकायतें करते हो? भाई आपको शिकायत करने की आदत पड़ गई है, आपको उस शिकायत का सोल्यूशन नहीं चाहिए। अब जैसे आपने मुझसे कहा, जैसे क्या है कि जो कंचलता बहन जी हैं, जो बात वो कह देंगी भाई 50% तो लोग वैसे मान लेते हैं, क्योंकि महिला है, कोई पूछता नहीं उनसे भाई ये कैसे सच है, कैसे सही है, कैसे नहीं है। तुम्हारे पोर्टल से आई है, जो मैंने भेजा है मैसेज वो मेरे नाम से है, मैं उसको कहता हूँ कि मैंने भेजा है, और मैंने बल्कि सबको कहा कि इसको फॉरवर्ड करो, वो फॉरवर्ड होता है चारों तरफ। तुम जो मैसेज आते हो वो हम तक आते नहीं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ घूमते रहते हैं और सारे काम करते रहते हो। अब हमारे चैट बॉक्स में कोई उल्टा सीधा लिख जाए एंटर करके और वो छाप दें और उसको हम लेके घूमते रहें,
ये कहाँ की सच्चाई है? जब आमना सामना आपको बुला रहे हैं और आमने सामने बात करने को तैयार हैं, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो जब आती है जब हम आमना सामना करने के लिए मना करें कि हम तो बात का जवाब देंगे नहीं, हम भागें, आप नहीं रहे हो, बात आपको नहीं करनी है, जो बात की है उसका जवाब आपने देना चाहते हो, इल्जाम हम पे लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्यों बदनाम करते हो? इसलिए बदनाम करते हैं ताकि वहां जो लोग हैं वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो लोग बढ़ जाएं, जो अच्छे लोग थे वो ना उधर जा रहे ना इधर जा रहे, जिनको समझ में आ गया वो इधर आ गए, पर नुकसान हुआ, उनका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ से टूटी हुई साख तो हमेशा सूखती है, उसका कोई वजूद नहीं होता, उसको तो टूटना ही टूटना होता है और वहां साख और निकल आती है, पर समय लगता है थोड़ा सा, उस समय को बचा रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे, वो जो समय है वो नहीं है हमारे पास में, इसको कोई समझ नहीं रहा कि हम जो हाथ पैर जोड़ते हैं वो इसलिए जोड़ते हैं कि भाई समय नहीं है, वरना तो ये आइडियोलॉजी संकी और ये विचार इतना जबरदस्त है कि इस विचार पे आइडियोलॉजी चल के लोगों ने देश के देश फतेह कर लिए, हम तो कुछ करे या नहीं, हम तो देख नहीं पाए, पहले इसी आइडियोलॉजी पे चल के अशोक ने पूरा देश फतेह कर लिया, बाद में आज के समय आप देख रहे हो कि इसी आइडियोलॉजी पे चल के कितने सारे लोगों ने देश फतेह कर लिया, हम इस आइडियोलॉजी पे चलेंगे तो अपने आप को बचा लेंगे, पर इन झमेलों में कहां तक लगे रहें, कैसे लगे रहें, कैसे करें कैसे ना करें, इसीलिए आज यहां ये चर्चा चल रही है जो अभी 11:08 में चल रही है। अब दिक्कत ये है कि किसी ने भी कंचनलता बहन जी से आज तक नहीं पूछा कि मैसेज तो रखो साइड में, जो ये मैसेज आ रहे हैं पहले ये बताओ कि आपके साथ हुआ क्या, पहले ये बताओ कि आपको किस व्यक्ति ने क्या कहा, पहले ये बताओ कि आप आर एस स्वामी जैसे रेस्पेक्टेबल डिप्टी सीएमओ आदमी को आपने दोगला क्यों कहा, इसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमने ना तो प्रचारित किया, ना हमने इसका व्हाट्सएप चलाया, ना हमने आपके पास भेजा, अगर आपकी आपके पास हमने कोई व्हाट्सएप भेजा हो तो बता दो, और अगर नहीं भेजा तो मैं कल भेज देता हूँ, सारे सारे सेफ रखे हुए हैं, पर क्या छिछोरी हरकत है, अपने ही संघ की अपने समुदाय की महिला के आप जो कपड़े फाड़ोगे तो कौन सी इसमें समझदारी की बात है, कौन सी इज्जत की बात है, वो इस हमारी कमजोरी को ये समझते हैं कि हम कुछ जानते नहीं है। एक मिनट के अंदर यहाँ जो लोग हैं 1000 लोग एक दिन के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं, इतनी पावर संघ के पास है, क्या 1000 आदमियों को संघ ये नहीं कह सकता कि स्क्रीन शॉट पूरे देश में फैला दो, और इससे फायदा क्या होगा, कपड़े किसके फटेंगे, संघ के फटेंगे, संघ कहेगा देखो एक महिला ने गलती करी तो ये बावले भी गलती कर रहे हैं, अरे भाई वहां कोई अगर लिख के चला गया है, मान लो कोई बावला आदमी अगर कोई लिखता है या तुमने लिखा है तो तुम उसको फैलाते क्यों हो, तुम क्या फैला के शो करते हो, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है, तुम काय के तो मिस्त्री आदमी हो, तुम काय की महिला हो और तुम काय की डॉक्टर हो जो उसको ले लेके करती हो, तुमसे अच्छे लाख गुरु तो डॉक्टर आर एस स्वामी हैं जो दोगला जैसी गाली खाने के बाद भी चुपचाप बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं कहते, तो ये चीजें कौन समझाएगा, कौन इन बातों को कहेगा, कोई आए आमने सामने तो हम तो कहें एक मिनट के अंदर, दिल के अंदर बहुत सारे गुब्बार लेके बैठे किस किस को दिखाएं, संगी खराब होता है, मेहनत ही खराब होती है, किसको सफाई दें किसको ना दें, पर जो जरूरी होती है वो कह देते हैं, जो जरूरी नहीं होती उसे छुपा जाते हैं, क्या करें, जब संघ चलाना होता है तो सारी चीजें समझदारी से करनी पड़ती है, वरना तो इतने सारे लोग हैं 2 मिनट लगती हैं पर खेल खराब हो जाएगा सारा सारा, हम सब जीवन भर के लिए गुलाम हो जाएंगे, बहन जी उनका कंचनलता बहन जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो 4 दिन से आई, उनका कोई ऐसा कोई समाज में काम करने का इतिहास नहीं है जो उन्होंने पहले काम किया हो, पूरी नौकरी उन्होंने की है, बहुत बढ़िया परिवार है, पति का बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, पति अलग रहते हैं वो अलग रहती हैं, समाज सेवा में उनके पास टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम किया, संघ ने उनकी बहुत इज्जत की, इतनी इज्जत की संघ ने कि किसी महिला की नहीं की, आज अगर वो कहीं जा रही हैं तो संघ की इज्जत की वैसे जा रही है, पर क्या कहेंगी, जिस संघ में उन्होंने काम किया, जिस संघ ने इज्जत दी उसी संघ को छोड़ के चली गई, लोग समझते नहीं है कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, पर कुछ कारण तो बताएं, कारण कुछ है नहीं, कारण कुछ बताती नहीं है, क्या करें, अपना माथा पीट लें, बताओ क्या करें, आप बताओ क्या करें इसमें। ठीक है भाई साहब, आपने जवाब दिया, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अरे मेरे यही सवाल थे सर जो मैंने पूछ लिए, मेरे मन में काफी दिन से चल रही थी, मैंने कि मैं जुड़ नहीं पा रही थी इसलिए पूछ भी नहीं पा रही थी, आज मैंने पूछ लिया और मुझे लगता है मेरे साथ साथ और भी काफी लोगों को जवाब मिला होगा। लेकिन एक चीज और भी साथ में कहना चाहती हूँ सभी को कि मतलब संघ में भी मैं वहां भी बोल के आई हूँ एक दिन जुड़ी थी तो, और यहाँ पे भी मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम राइटिंग में कुछ भी लिखने से पहले जरूर सोचें विचारें, क्योंकि लिखा हुआ कभी खत्म नहीं होता ना मिटता, अपने मुंह की जुबान बोली हुई तो फिर भी इंसान एक पल मुकर जाएगा नकार देगा, लेकिन लिखा हुआ बहुत दूर तक जाता है और ये वहां तक भी जाता है जहां नहीं जाना चाहिए, इससे हम सब लोगों का मजाक बनता है और संघ का भी मजाक बनता है और पूरे समाज का, पूरे समन संघ का मजाक बनता है। तो लिखने में सभी लोगों से मेरी मतलब विनती है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम लिखा जाए। जी जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, धम्मम नमामि। सोनू मैडम जी, जी ये जान लीजिए कंचन लता जी से हमने बात किया था, हरिप्रसाद बहुत बोल रहे हैं,
और उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि जो भी बात कहनी है वो आके संघ में कहें, कोई कोई ये नहीं कहेगा कि आप ना आइए। जो भी बात है जैसे आपने कहा है तो वो भी आ सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों केवल ब्लेम लगा रही हैं और बाकी आ नहीं रही हैं। सर तो सब समय के साथ अभी और भी अतेंद्र भाई साहब भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा और मेरा भी ऐसा विश्वास है कि समय के साथ धीरे धीरे सब आएंगे और संघ को छोड़ के कोई कहीं नहीं जाएगा। आपसे कुछ मनमुटाव है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी थोड़ा ईगो भी है, ईगो की भी बात है, धीरे धीरे आएंगे, जरूर आएंगे क्योंकि यही से गए है ना। सभापति महोदय आपका आदेश दें तो ये सोनू बहन जी के क्वेश्चन का जवाब देवें। सर वो जवाब जिनसे मांगे तो होगी सर, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जरूरत नहीं होगी सर। हैंड रेज ले लें सर, अभिषेक सर। ओके सर, कोई बात। सभापति महोदय ये जो हैंड रेज है नियम अनुसार एक एक करके फटाफट निपटाए जाए क्योंकि समय काफी हो चुका है। सभापति महोदय जी जी हैंड रेज ले लीजिए और सबको बताइए कि टाइम काफी हो गया है, जो भी बात करनी है थोड़ा संक्षिप्त में करें। एजेंडे पर ही करें बात, एजेंडे पर ही। सभापति महोदय एजेंडे पर ही बात करें जी। और रिपीटेशन बातों का ना करें जिससे समय बचे। जी जी, अभी दो तीन एजेंडे और हैं बाकी जिनको लेना है। दिलीप कुमार जी। जी सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मुझे जुड़े हुए लगभग एक साल हो गए। जब मैं शुरू शुरू में जुड़ा था तो एक बार ऐसे ही शाम रात को 11-12 एक एक बज जाते थे, तो एक चर्चा में हम लोग सारे लोग कर रहे थे। उस समय मैंने देखा था, मैं 2-4 दिन से ही जुड़ा था, कि कुछ ऐसी बातें हो रही थी जैसे निरंकारी जी और चौधरी गंगाराम जी इन लोग ऐसे कटाक्ष की बातें संघ के प्रति करने लगते थे। उसी मीटिंग में करते थे कटाक्ष की बातें, ये लोग उस मीटिंग में ही करते थे। लेकिन यहाँ पे जो संघ में आदमी आता है वो इतना बेवकूफ तो आता नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं जो अगर वो कौ कहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कानपुर नहीं तो कलकत्ता कहेंगे। तो उस समय उनकी मंशा, हमने खुद जितना भी मैंने पढ़ा है, उनकी मंशा शुरू से ही संघ के प्रति नहीं थी। वो जरूर ये दर्शाते थे कि हम बहुत संगठन से बहुत पुराने कार्यकर्ता है, तो उनकी मंशा ही और उनके बुद्धि का परिचय मैंने यही पढ़ा कि अगर इतने ही संगठन के प्रति ही, संघ को छोड़िए संगठन के प्रति अगर वफादार होते तो आज वो कहीं मंत्री विधायक होते। लेकिन संघ में रहेंगे तो या संगठन में रहेंगे तो जब तक आपकी नीयत सही नहीं रहेगी आप कहीं भी विकास नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि कुछ लोग अभी जो चर्चाएं हो रही उसमें हमको लगता है कि कुछ लोग संघ और संगठन में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सुधीर राज सर जी के ऊपर ये ब्लेम लग रहा है कि वो चाहे तो इस संघ को आम आदमी पार्टी में लेकर चले जाए। संघ की इतनी ताकत नहीं है कि सुधीर राज सर को बाहर कर सके या उनको दंड दे सके। जब बड़े बड़े भगवान गौतम बुद्ध जैसे बड़े बड़े भिक्षुओं को दंड मिल चुका है तो क्या अगर सुधीर राज सिंह अगर इस तरह की गलती कर देते हैं तो क्या संघ उनको दंड नहीं देगा? ये संघ क्या सुधीर राज सिंह ने संगठन के रूप में बनाया कि संघ के रूप में बनाया है? इस बात को समझना पड़ेगा, तब जाके ब्लेम किसी पे लगाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि नहीं यार स्वामी लेके संघ को बसों में चले जाएंगे तो क्या ये बसों में चला जाएगा? तो ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जो असली बात है उन लोगों का ईगो, उस समय भी और एक सर तो जो निकले थे बहुत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, लेकिन वो ऐसे लठमार भाषा का प्रयोग करते थे कि अगर आदमी मीटिंग में पहली बार जुड़ा है उनकी भाषा को सुन ले तो कल से नहीं जुड़ेगा। जैसे छोटी सी बात पे हमारे एक मित्र जो है ये वशिष्ठ पासवान जी, एक छोटी सी बात पे उनको थोड़ी सी नाराजगी हो गई, आज मैं उनके यहाँ जाके समझा के आया। तो बहुत कारण होती है, लोग अपना कारण नहीं बताते कि हमारे अंदर क्या कमी है। दूसरे पे ब्लेम लगाना तो बहुत आसान होता है, और जितने लोग ये 20-25 लोग जो बहुत वरिष्ठ इस संघ के कार्यकर्ता है निकले हैं, इनके अंदर जो है बू आ रही है, मैं हूँ, सुधीर राज सर क्यों है, स्वामी सर क्यों इतना बोलते हैं, फलाना क्यों इतना बोलता है। अरे आप भी उतना काम करिए ना, समाज के प्रति समर्पित होइए ना। इतने 11-11 बजे रात को इतने लोग जगे हुए हैं, क्यों जगे हुए हैं? क्योंकि इन लोगों को चिंता है क्या हमारे बच्चे आने वाले समय में मारे जाएंगे। अभी तो क्या हाल है, आने वाले समय में तो उनको खड़ा होने का जगह नहीं है।
आज जो मोहल्लों में रह रहे हैं सोच रहे हैं कि हमको तो ये महल बराबर मिलेगा, तो बराबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर, साठ करें। अगर मेरे साठ करें बात से किसी को बुरा लगा हो, ईगो एक शब्द में ईगो है सर, ईगो है उन लोगों के अंदर बहुत। अभी से नहीं, मैं एक साल पहले ही उन लोगों के ईगो को पहचान लिया था, यहाँ इनके अंदर ईगो भरा हुआ है। कटाक्ष की बातें करना, एक 100 आदमी 150 आदमी 200 आदमी जोड़ रहा है, तो आप एक शब्द बोलते हैं तो उसके 100 अर्थ निकालने वाला निकाल लेते हैं कि इनकी मंशा क्या है। आप एक शब्द लाइन लिखते हैं व्हाट्सएप पे, उसका मंशा क्या है, उस लाइन के पीछे आपकी सोच क्या है, ये आदमी पढ़कर समझ लेता है। इतना यहाँ बेवकूफ आदमी नहीं बैठा हुआ है। प्लीज शॉर्टन सर, अगर कोई गलती हुआ हो क्षमा करे संघ। जय भीम, नमो बुधाय, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आगे बढ़िए। सभी साथी हाउस की गरिमा को समझे, बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी डायरेक्ट ना बोले, अपना हैंड रेज करें, अपनी बात रखें। अगला जो हैंड रेज है वो अनिल वंकर जी का है। अनिल वंकर जी आए और शॉर्ट में अपनी बात रखें। सर सर मैं हूँ रंजना वंडकर। ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी। ये एलिगेशन हर बार सुधीर राज सर पे लगता है कि ये करते वो करते। आज एक नया एलिगेशन की महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में सुधीर राज सर मैसेज करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये रंगारी बहन जी जो सुन करके बता रही थी बात, उनके लिए मैं कह रही हूँ और हाउस के बाकी लोग भी समझ लें कि सुधीर राज सर ना तो पुरुषों के व्हाट्सएप ग्रुप में कभी इतनी चर्चाएं चल गई वो नहीं बोलते हैं, तो वो महिलाओं के ग्रुप में भी नहीं आए थे। उनकी पत्नी सीमा राज सिंह का व्हाट्सएप मैसेज था और कंचन लता बहन जी को लगा कि सुधीर राज सर ने उस मैसेज में महिलाओं के ग्रुप में मैसेज डाला है। ये बिल्कुल गलत बात है और एक व्यक्ति को हर हाउस की मीटिंग में उस व्यक्ति को इतने एलिगेशन के साथ कटघरे में खड़ा किया जाता है, ये बहुत गलत बात है। और हमारे हाउस के लोग भी ऐसे हैं कि इतने ना समझ हैं, अभी पक्के हुए ही नहीं कि उठा करके किसी की भी बात को, अधूरी बात को ना समझी से पेश कर देते हैं इतने सारे लोगों के समक्ष। हर बार हाउस में एलिगेशन लगते हैं सुधीर राज सर पे, इस तरीके की हरकतें ना की जाए और ये बहुत गलत बात है। आगे से इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे, सोच समझ कर बात करें सभी। एलिगेशन हर वक्त, फिर भी चट्टान की तरह वो खड़े हैं। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है सहने की, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखे सभी। नहीं जानते हैं तो बात भी ना बोले। थैंक यू बहन, धन्यवाद जी। जी सर, बहन जी, बहन जी की बात सही है, सभी सतर्क रहे जी। सरवण बहन जी आए, अपनी 1 से 2 मिनट में बात रखे। आए बहन जी, नेक्स्ट को ले लीजिए, नहीं है तो राधेश्याम सर। राधेश्याम जी आए सर। जी सर, जी सर, जी सर, ऑनरेबल स्पीकर में होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वाकई में रात में इतने देर तक हम लोग जगते हैं, जुड़े हुए हैं, तो जो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं, हाँ ये जरूर बात है कि उनसे सबक लिया जाए, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा ना की जाए, उस पर समय ज्यादा जाए ना किया जाए। हुआ यूं है कि अभी तक हम लोग जो है 90 लाख संगठनों और पार्टियों में जो लोग थे, उन्होंने जो है उससे बहुत जल्दी इस संघ से रिजल्ट चाहते हैं कि हमको कुछ रिजल्ट मिले और जल्दी कुछ जमीन पे करने को मिले, इसलिए वो कंफ्यूज है। तो कल आज नहीं कल उनको समझा लिया जाएगा, लेकिन उन पे ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम आगे बढ़े, निरंतर जोड़ने पे काम करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। भगवत किशोर सर आए सर। भगवत किशोर सर जी। सर अध्यक्ष महोदय, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगंग नमामि। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सर मैं 2 बातें कहना चाह रहा था, क्योंकि हाउस की कई मीटिंगों में मैं जुटता रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी कभी कभी कुछ कहा नहीं, हो सकता है मेरी बात किसी को थोड़ी नागवार गुजरे तो उसको। मतलब मेरा एक तो कहना यह है कि सर जो ऑनरेबल स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं, यदि कोई संघ का स्पोक्स कोई क्वेश्चन कर रहा है
कायदे में तो जिसको स्पीकर महोदय बोले कि भाई इसका जवाब ये देंगे उनको बोलना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। दूसरे मैं एक पुरानी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ संघ को, जैसे सुधीरा सर ने एक बात कही थी अभी कि संघ हमसे कुछ गलतियां हुई चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी वो अलग बात है, तो मेरा भी ये कहना है क्या संघ जो बैठा हुआ है ये भी उसको महसूस करना पड़ेगा संघ को भी कि त्रुटि हमारे किसी मेंबर से हो सकती है संघ से नहीं, और ऐसा हुआ है, ऐसा मैं पिछले 8 महीने पहले बता रहा हूं, और मेरी बात इसलिए मैंने कहा पहले ही खराब लग सकती है किसी को कि यदि हम किसी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं संघ के किसी भी मेंबर की तो वो हमारे लिए अच्छा लग रहा है, हम उसको भी अच्छा मान रहे हैं। यूएस लाल ने मेरे लिए बदतमीज शब्द का इस्तेमाल किया था इसी सदन में 8 महीने पहले, डॉक्टर यूएस लाल ने, और मैंने एक सिंह सर से बात कही थी कई बार कि देखो इस तरीके में मैंने एक एजेंडे के विषय में क्वेश्चन उठाया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आदमी मीठा बोल रहा है तो उसके भी पीछे जाने की जरूरत है कि वो वास्तव में हमको खुश करने के लिए मीठा बोल रहा है या फिर उसका इस तरह का कोई मोटिव है। अब यूएस लाल आज संघ में नहीं है तो सबसे ज्यादा मेरी नजर में संघ को खराब तो लग ही रहे हैं, लेकिन उस दिन किसी ने ये शब्द नहीं बोला कि संघ की मर्यादा को भंग किया जा रहा है, और आप ऐसा शब्द बदतमीज आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते हैं संघ की कार्रवाई की, उन्होंने बदतमीज शब्द बोला कि कौन था ये बदतमीज जाहिल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारे लोगों के विषय में संघ को ये जानने की जरूरत है कि अगर उसका युग हट हो जाए कल को खुदता ही मीठा बोलता हो और वो भाग जाएगा तो उसके पीछे भी जानने की जरूरत है। और मैं अपनी बात इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता, बाकी संघ बहुत सारी चीजों में परिपक्व है, संघ सही दिशा में जा रहा है, लोगों के जाने से वृक्ष टूट जाता है टहनी चली जाती है वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता है, बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं, संघ अपने जगह अडिग रहेगा संघ अमर रहेगा, संघ को कोई तोड़ नहीं सकता। जय भीम नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि, बहुत बहुत साधुवाद। सर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, सर मैं हैंडे ले रहा हूँ, सर पहले हैंडे से चल रहे सर, रमेश के सर आएंगे, जोगिंदर सर मौका दीजिए मुझे अभी, जोगिंदर सर जी जी वो मैं थोड़ा सा जी डिफिकल्टी में आ गया था तो बीच में स्किप कर गया, अगर आप कहें तो मैं कंटिन्यू करूं। हाँ कंटिन्यू कर ले, और अब रमेश कटके सर का हैंडेज है पहले। ठीक है कटके सर। हाँ सर सभी को जय भीम, मैं बस 2 मिनट ही लूंगा मैं। एक तो पहली बात मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूँ हमारे समन संघ को, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारी अभी भी 2 गलतियां हो रही है, मतलब हम परिपक्व नहीं हुए। एक बात तो यह है कि हम पद पैसा प्रतिष्ठा और अहंकार इन चारों चीजों में से एक चीज में तो भी कहीं तो भी गड़बड़ कर रहे, इसलिए संघ से हम खपा हो जाते हैं, हम निकल जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप करते रहते हैं। या तो हम कि हमारे पीछे पद का कुछ ना कुछ तो भी है, या हम प्रतिष्ठित है और वो सम्मान नहीं हो रहा है, या फिर हमारी गरिमा है समाज में और वो पूर्ण नहीं हो रही, या फिर सबसे बड़ी चीज है कि अहंकार होता है हमारा, अहंकार को चोट पहुंचती है तो हम लोग फिर उछल जाते हैं, किसी को समझते हुए ना समझते हुए हम आरोपित कर देते हैं, आरोप करते हैं। तो ये चार बातों को हमको इसके बाद गौर से देखना पड़ेगा। बहुत से लोग हमारे बीच में भी है कि जो इसमें परिपक्व नहीं है हुए हैं, तो हमको हर एक को सोचना है कि अगर संघ का हिस्सा बने रहना है तो इन चार चीजों को हमको खुद का एनालिसिस करके डिलीट करना होगा। दूसरी बात यह है सर हमारे बीच में सभापति महोदय कि हम लोग अभी तक बहुत सारे लोग आय से वी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, जैसे कि आय वाला जो होता है वो अपने ही बारे में अपने ही इर्द गिर्द सोचता है, अगर कोई चीज या शब्द या कुछ भी कोई भी बात हो जाती है और अगर उसके आय को या अहंकार को चोट पहुंचाती है तो फिर वो विरोध करने लगता है। तो इसके ऊपर भी हमको गौर से ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा जो आज के हाउस के मेंबर्स है और सभापति महोदय कि हमने ये देखना चाहिए कि हम लोग संघ में काम कर रहे हैं,
संगठन में काम नहीं कर रहे, संघ में काम करने के लिए हमको धम्म की प्रोसीजर देखनी पड़ेगी और बाबा साहब के आंदोलन को हमको गहराई से सोचना पड़ेगा। बाबा साहब को भी बहुत चोट होती थी लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े रहते थे और उन्होंने जो बनाया, आज बाबा साहब को देखो और जितने भी बाबा साहब के कंटेम्पररी जो थे, उनके समकालीन थे, उनका नाम कहीं भी नहीं है लेकिन वो सच का साथ पकड़ के रहते थे। तो आज बाबा साहब दुनिया में नंबर एक पर है। हमारे संघ का भी ऐसा होगा, हमको वक्त लगेगा, सिर्फ हमको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो ही हमारा संघ आगे जाके बढ़ सकता है। और एक बात मैं बहुत ही ताकत से कहता हूँ कि संघ ही है इस देश को नहीं दुनिया को संभाल सकता है, वरना ये दुनिया का और इस देश का कोई खरा नहीं है। धन्यवाद सभापति महोदय, बहुत बहुत साधुवाद सर। मनोरमा बहन जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि, संगम नमामि। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ दिन से जुड़ी नहीं और अब मैं ठीक हूँ। पहली बात तो ये कि जो ये लखनऊ वाले भाई डॉक्टर साहब थे, युवीर सिंह है, क्या नाम है, यूएस लाल जी, तो नागपुर में मिले थे, नागपुर में ही उनकी बातें कुछ देखने से भी पता चलता था कि उनके अंदर कितना ईगो है और वो किसी भी बात को मतलब तब तक बोलते थे जब तक लोग ऊब ना जाएं। तो और रही कंचनलता बहन जी की, तो कंचनलता बहन जी से भी मेरी बात हुई थी लेकिन मैं तो फोन पर ही समझ गई कि ये कितनी समझदार है और कितना अपने दिमाग से चलती हैं। वो लोगों के कहने पे चलती हैं, उनकी अपनी सोच कुछ भी नहीं है। तो हमारा समय बहुत सारा तो इसी में जा रहा है कि हम इन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। ये समुंदर है और इस समुंदर में कितना पानी आएगा, कितना चला जाएगा, इस पे इतना समय खराब करने से अच्छा है कि इस समुंदर में पानी ज्यादा से ज्यादा भरता जाए, हम ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी पहुंचाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हम क्यों ये सोचते हैं कि वो लोग आएंगे, हमें किसी के पीछे क्यों पड़ना है। अगर उनके अंदर अगर उनकी विचारधारा संघ के मुताबिक होगी, अगर उनका चिंतन बाबा साहब की तरह होगा तो उन्हें कौन रोक लेगा और वो खुद चलकर आएंगे। हम ये उम्मीद करें कि वो आएंगे। मैंने अभी ज्यादातर लोगों से यही सुना है कि वो आएंगे। अरे भाई, वो आएंगे तब जब उनकी विचारधारा बनेगी। हम जबरदस्ती किसी के दिमाग में ये विचारधारा नहीं भर सकते कि संघ क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कितना त्याग किया है ये भी हम उनको दिमाग में नहीं भर सकते। उनके छोटे छोटे से लालच होते हैं, छोटी छोटी जरूरतें होती हैं जिनके लिए वो इस उम्र में बाहर निकल कर आते हैं, और या फिर यूं कहिए कि कुछ भी नहीं जानते और अचानक आते हैं। तो जो अचानक आया है उसकी विचारधारा क्या हो सकती है, जिसने पूरा जीवन अपनी नौकरी की है, कभी कोई समाज से मतलब नहीं रखा, तो उसकी विचारधारा क्या हो सकती है। तो जितने भी जो लोग व्हाट्सएप पे गलत सलत चीजें लिखते हैं, पहली बात तो व्हाट्सएप पे इतने इतने बड़े होने के बाद, पढ़ लिखने के बाद व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, गलत चीजें डालते हैं या किसी के नाम से डालते हैं, तो उसी से समझ लेना चाहिए कि वो कितने समझदार हैं और कितने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जब चैटिंग कर रहे हैं, गलत चीजें डाल रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए डाल रहे हैं या यूं ही डाल रहे हैं, किसी को बदनाम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो भैया क्यों लिख रहे हो? क्या तुम्हारे पास संघ के लिए कोई बात नहीं है, संघ के लिए कोई विचारधारा नहीं है, बहन जी कोई और अच्छी बात नहीं है? बहन जी थोड़ा छोटा कर रही है, तो इस बारे में भी तो बात होनी चाहिए। हम क्यों इस चक्कर में लगे हुए हैं? वो आएंगे कहीं नहीं जाएंगे, धारा बनेगी नहीं तो कहां से आ जाएंगे वो? उन्होंने जितना जीवन अब तक काटा है वो थोड़ा सा और काट लेंगे इसी ईगो में। तो इस
पे है, मुझे नहीं लगता, मैं तो बोल जाती हूँ ये सुन सुन के कि वो आएंगे आएंगे, तो ये सब बात सारे लोगों को नहीं ठीक लग रही होंगी, तो इस पे चर्चा ना करके इस पे चर्चा की जाए कि हमारा जो आगरा का प्रोग्राम है तो उसके लिए 8 तारीख रखी थी, उस पे क्या विचार है, अगर आपकी इजाजत है तो हम उसे फाइनल करें। गो अहेड सर। आपके बहुत सर, सोनू बहन जी, फिर मेरा हैंड रेज है, परिहार सर का हैंड रेज है, चौरसिया सर का हैंड रेज है। ऑनरेबल स्पीकर सर, 2 मिनट में एक चीज बता देता हूँ। ये जो एजेंडा बेसिकली सुधीर सर ने लगाया था, जो है कुछ नियम इसके साथ दिए थे और हम शायद डाइवर्ट हो गए जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे उससे, तो हम जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए। अगर किसी की बात का कोई रिपीटेशन है तो वो रिपीटेशन ना करें, किसी को किसी की बात का कोई जवाब देना है तो वो जवाब अगर ना दें उसके बिना काम चल जाए तो चला लें, क्योंकि समय 11:30 हो गया है। यहाँ संख्या बहुत अच्छी खासी थी, आप 200 लोग थे हम और वो घट के 114 रह गए हैं, एजेंडाज और भी हैं, फिर एजेंडा सबके सामने डिस्कस नहीं हो पाते, तो अपनी बात जल्दी से जल्दी हम सब खत्म कर लेंगे प्लीज। आर के बहुत सर। सभी समर्थ साथी बहनों भाइयों को जय भीम नमोदा संगम नमामि। मेरा जो क्वेश्चन था वो इसमें सॉल्व हो चुका है सर, और अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये इतना जरूर कहूंगा मैं, जब कोई आदमी किसी पे एलिगेशन लगाता है तो वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी पर भी एलिगेशन लगाओगे तो कभी भी सही नहीं होते। बिना प्रूफ के एलिगेशन लगा देना, कुछ भी कह देना, ये कोई सभ्यता की बात नहीं है। पर एक चीज मेरी समझ में आ गई है कि ये समाज आज तक क्यों इकट्ठा नहीं हुआ, ये आज मेरी समझ में आई है कि जब इतने पढ़े लिखे लोग डॉक्टर इंजीनियर होकर के इस संघ से निकल के गए तो एक आम आदमी कैसे इस बात को सोचेगा कि मैं इकट्ठा हो जाऊंगा। इन विद्वान लोगों के दिमाग में ये नहीं आई कि हम लोग संघ में हैं और इकट्ठे रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। दुनिया को उपदेश दे रहे थे, सबको उपदेश दे रहे थे, लेकिन खुद ही निकल गए उस विचारधारा से। तो ये चीज बाबा साहब ने जब कहा था कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया, वो बात सही अब यहाँ भी सिद्ध हो रही है कि ये हमारे जो बीच में पढ़े लिखे लोग आए थे। और बच्चा एक चीज और थी इनके अंदर जो मैं जो जब समझ रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इनके अंदर से एक संगठनवाद जो था, BIP कल्चर, मंचमाला और चंदा, ये इनके दिलो दिमाग से नहीं निकला था, जो उनके बीच बीच में ये कुरेद रहा था और वही उनको अब वहां जा करके उस चीज के लिए वो पैरवी कर रहे हैं। बस यही मेरा कहना था। जय भीम नमो बुद्धाय। नेक्स्ट पे चलिए सर। सोनू बहन जी। जी भाई साहब, मैं सिर्फ किसी को काउंटर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी बड़ी रिक्वेस्ट करके सबसे बात कही थी और रिक्वेस्ट की थी कि हम कोशिश करेंगे हम चैट बॉक्स में ज्यादा ना लिखें। और एक बात बार बार निकल के आ रही है, मेरी कुछ बहनों ने भी कहा अभी कि सुधीर राजदीप को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन पे इल्जाम लगा दिए। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने पहले ही शब्द में अपनी वही लाइन कही थी कि ये जो मैं बातें कह रही हूँ मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ अभिषेक भाई, और सॉरी सर कि यहाँ पे समाज में कभी बैठ नहीं सकते, नाचेंगे ऐसे। माइक म्यूट हो गया आपका सोनू बहन जी। जी भाई साहब, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने सुधीर भाई साहब को कोई इल्जाम नहीं लगाए, जो मतलब चर्चाएं फैली हुई हैं, मैंने ये इसलिए पूछा कि मुझे भी क्लियर हो जाए और साथ साथ कुछ और लोगों को भी मैसेज जाए, और ना ही मेरा कोई उनको व्यक्तिगत मैंने कोई इल्जाम लगाया है। अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं पर्सनली उनसे पूछ सकती थी। रोक देता हूँ एक मिनट के लिए ऑनरेबल स्पीकर सर, आपकी अगर परमिशन है तो। वो किसी ने भी ऑनरेबल स्पीकर सर सुन रहे हैं जी, बोलिए बोलिए सर। वो किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने इल्जाम लगाया है, वो चैट बॉक्स सबने पढ़ा, उसमें लिखा गया कि बार बार एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है तो उस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने इल्जाम लगाया है, इसलिए बेफिक्र रहिए। और अभी तो मैंने ही पूछा ना, अगर दो सवाल अगर देखिए हम अगर सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए अभिषेक राज जी सर,
बार बार हर हर हाउस में एक ही व्यक्ति पे इल्जाम लगाया जाता है, वो ये लिखा गया और उस पर बातें भी हुई है, लेकिन इन बातों का कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला। हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि 11:37 हो गया ऑलरेडी। मुझे भी कहा गया सर, मुझे भी कहा होगा शायद, पर जो बात माइक म्यूट है सर आपका। हाँ एक मिनट में बात बोलता हूँ। जैसे स्पीकर महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हाउस समर संघ के नियम है, पहले छोटे नियम थे, फिर ये गोल्डन रूल हो गए, अब और भी साथ साथ बनते जा रहे हैं, तो इस पे कौन काम कितना कौन कर रहा है आप देख सकते हैं। पिछले 1.25 साल होने को है और जो बहुत सारे लोग या कुछ लोग या कोई खास स्पेशल टाइम भी दे रहे हैं ये सारे नियम बनाना, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना मतलब सारा टाइम इसी में लगाना, और इतना काम करने के बावजूद हम ये कहें कि यहाँ जैसे है भी नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं कि हमें संघ से कुछ लेना है या किसी से कुछ लेंगे, हमें तो देने के लिए सारे हैं यहाँ, तो उनके ऊपर इस तरह के जैसे इल्जाम लगाना को ये है अभी टाइम ज्यादा हमें मौका नहीं मिलता, एक आदमी या मठाधीश या जो जिस तरह के इल्जाम लगाते हैं, और वो लोग जो जिन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा कोई टाइम उन्हें कोई मतलब नहीं है नियमों से कोई इस तरह का बनाना है तो कितना मुश्किल होता है, सारी एनर्जी होता है, सारा टाइम लगता है, तो वो लोग ऐसा उनको चलो संघ में रहते तो ठीक था, लेकिन ऐसे डिमोरलाइज करना और फिर हम उन लोगों को ऐसे कोशिश करते हैं आना है, ये क्या फर्क पड़ता है हमें, ऐसे लोग नहीं आएंगे तो और नुकसान करेंगे, तो क्यों ऐसा बातें इस तरह की क्यों लेके आ रहे हैं यहाँ हाउस में इतना टाइम लगाया है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आया। तो नियम है हमारे धारण करने है, सारा कुछ है, जिनको नियम मानना है या कोई व्यक्तिवाद तो है नहीं, या संघवाद है, जब सारे नियम क्लियर है, 10 गोल्डन रूल बन गए या बोर्ड बन रहे हैं, तो इन चीजों की कहीं अहमियत है नहीं, जो गलत ले रहे हैं इधर उधर की बातें सुन के अपने मन को जो गलत कर लेते हैं, जो भी यहाँ किसी तरह की बात मन में जो कंफ्यूजन पैदा करके, तो उसका तो अपनी सोच है, अब क्या करें, तो ये तीन चीजों पे क्यों टाइम लगा रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए था, आज भी काफी टाइम लगा दिया इतनी बातों के लिए। भाई साहब एक चीज से बोलना चाहती हूँ कि अगर नहीं पूछेंगे और मन में रखेंगे बातों को, पूछ लेने से अच्छा हुआ ना, अगर नहीं पूछेंगे तो वो भी तो नुकसानदेह होता है संघ के लिए, अगर पूछ लेने से शंकाएं दूर होती है और ये मैसेज दूर तक जाता है और इसका भी तो प्रचार प्रसार होगा, तो ये भी तो संघ के लिए अच्छा ही होगा ना। हर चीज को अपने पर मत लीजिए, ये जनरल बातें हैं, आगे बढ़िए सर। जी सर, बीएमके विश्वास सर। माननीय स्पीकर साहब, मैं 30 सेकंड में मेरे दो बातें मैं करना चाहता हूँ। 8:15 से सर जो हमारा आज का जो शंका जो मूल विषय के ऊपर जो एजेंडे के ऊपर बात होना था, टाइम भी काफी हो गया, टाइम को थोड़ा ध्यान दे, और बाकी एक चीज को लेकर बार बार रिपीटेशन मुझे लगता है अच्छा नहीं है, और जो भी कानून आए और स्ट्रांगली शो कानून का आ जाए जल्दी से। ठीक कह रहे हैं विश्वास सर। हेलो, अभी 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 बढ़ा लेते हैं सर, टाइम बहुत हो रहा है। नानक चंद सुमेर सर, जी सर, सर अगर कोई रिपीटेशन नहीं है तो अगर समय बचा सकते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा सर। जरूर जरूर। आप हैंड रेज है, इसके बाद कोई हैंड रेज अगर ऑनरेबल स्पीकर सर कहें तो ना लिया जाए। सर मुझे लगता है कि हल्की बातें तो थोड़ी हुई हैं, वो चैट बॉक्स में सबने देखी हैं, स्पोक वाले उस पे सबने देखी हैं, लेकिन हम सब एक हो जाएंगे तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी, उससे हमारे संघ की ताकत बढ़ेगी, हमारी भी वाहवाही होगी। कई बार हमने इस बारे में बोला भी कि दूसरों को भी कि भाई वो जुड़ के आएंगे तो हम उनको पैसा देंगे, अगर हम भी जुड़ जाएंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी वाहवाह होगी। और मुझे लगता है कि मैं तो ये समझता था कि एक छोटी सी फुंसी है ये ठीक हो जाएगी, लेकिन एक के बाद एक लोग निकलते गए, मुझे बहुत खुशी होगी और मन करेगा अच्छी तरह काम करने का, सब लोग एक हो जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो सुधीर सर के 3 नियम थे जो उन्होंने इस एजेंडा के साथ प्रपोज किए थे,
आप हाउस से तीन बार पूछ लें, अगर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है उनको पारित किया जाए। सर बोलिए, पारित समझे ठीक है, पारित समझ दीजिए। साधु 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 सर। अगला जो एजेंडा है, मैं एक मिनट में पढ़ के बता देता हूँ सर, फुल लिस्ट में पीछे चला गया। छुट्टनलाल समन सर तो नेक्स्ट एजेंडा नेक्स्ट में लेने के लिए चैट बॉक्स में रख दिया है उन्होंने। मैं बता देता हूँ सर, वो लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। संगति मैनेजमेंट कमेटी के नियम, सुधीर राज सर का एजेंडा है, अगर ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एजेंडा तो हमारा समय बहुत बचेगा सर। वैसे तो ये चार नियम है ऑनरेबल स्पीकर सर, इस समिति का जो कार्यकाल है वो एक साल तक रहेगा, यानी 30 जून 2023 तक। और नंबर दो है, साल भर तक सदस्य बढ़ाने की अनुमति, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य चाहिए और हर स्टेट में जब भी काम होगा तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा है, हर महीने हाउस को रिपोर्ट करेगी ये कमेटी। और चौथा है, मीटिंग को वापस लेने की अनुमति, अगर कोई मीटिंग नियम के अनुसार नहीं चलती है तो उसको वापस लेने की अनुमति चाहिए, ताकि उसको इमीडिएटली वापस लिया जा सके और हाउस को बाद में बताया जा सके, क्योंकि हाउस को एक महीने में रिपोर्ट जाती है। तो हमें वो पावर चाहिए कि अगर हमें लगे कि ये मीटिंग नियम के मुताबिक नहीं हो रही तो उनको नोटिस देके और इसको वापस ले लिया जाए। ये चार नियम है सर। ठीक है, चर्चा पे रखा जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप तीन बार पूछ लें और इसको जो इस पर डिसीजन है हाउस ले। ना किसी सदस्य को चर्चा करनी है तो मौका दिया जाए। ठीक है, कोई चर्चा के लिए तैयार नहीं है तो इसे हम पारित समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनरेबल स्पीकर सर, अगला जो एजेंडा है वो अतेंद्र कुमार सर का है, 12-13 नवंबर संकेसा संगति पर हेड खर्चा फिक्सेशन। अतेंद्र सर हैं क्या हाउस में? सर आदरणीय सभापति महोदय, जो संगति समर्थ संघ की संगति लगने जा रही है 12-13 नवंबर की, उसकी अप्रैल में ही परमिशन ले ली गई थी, लेकिन उसका जो खर्चा है या जो उसमें वे होगा वो नहीं दिया गया था, तो उसको आज हम देना चाहते हैं, अगर अनुमति हो तो हम बताना चाहेंगे। बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, ये दो दिन की संगति है, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले और मैनपुरी जिला दोनों के बीच में संकेसा स्थान है, जहाँ पर ये संगति समर संघ की संगति होनी है। इसमें जो कमरा की किराया रखा गया है वो एक दिन का है 300 रुपये, ये पर पर्सन एक व्यक्ति का रहता है तो 300 रुपये देकर एक रात रुक सकता है, अगर वो दो रात रुकेगा तो उसको 600 रुपये देने होंगे। उसमें जो एक दिन का खाने का है, जो खाने में चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट डिनर सारा कुछ रहेगा, उसमें 150 रुपये खर्च आएगा प्रति व्यक्ति का, अगर दो दिन आके रुकता है तो उसको 300 रुपये खर्चा आएगा उसका खाने का, ये पर व्यक्ति होगा। एक दिन कोई रुकता है तो 550 रुपये लगेगा, और दो दिन अगर रुकता है तो उसका रहना खाना और उधर इतना घूमना होगा, जो स्टेशन से आना होगा उसको, उसका भी मिला के 1000 रुपये पड़ेगा जाके। जो लोकल से लोग आएंगे उनका सिर्फ 150 रुपये ही लगेगा, और जो बाहर से आएंगे जो कन्वेंस नहीं जिसके पास होगा उसका 250 रुपये लगेगा, क्योंकि स्टेशन से और संकेसा की दूरी काफी दूरी पड़ जाती है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास पड़ती है, 15 से 20 के आसपास पड़ती है, तो उसके लिए हम वाहन की व्यवस्था कर देंगे, जैसे बस लगा देंगे। जो चौराहा पड़ता है एक जगह पे महमदाबाद, वहां से 10 किलोमीटर पड़ता है, वहां तक आ सकते हैं, तो वहां से हम गाड़ियों के माध्यम से उनको संकेसा तक पहुंचा देंगे। दूसरा सर, जो टेंट का किराया है वो 65,000 है, वो जो हमारे लोकल के लोग हैं उसको ही वहन करेंगे। बैनर और झंडा और स्टिकर ये 15,000 रुपये में बुक हुआ है, और वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होगी वो 10,000 रुपये में हुआ है, ये सर पूरा इसमें जो है ये खर्चा आ रहा है। लेकिन जो आने वाले हैं
वो उनको बता दिया मैंने कि एक दिन का 550 रुपये देना होगा और दो दिन का जो है वो अपना उनका खर्चा जो होगा वो 1000 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 बुद्ध विहार हैं, एक बर्मा का बुद्ध विहार है, श्रीलंका का बुद्ध विहार है, कंबोडिया का है, और जो अगर अपने वैसे अगर जैसे होटल में रुकना चाहेंगे तो वो खुद कर सकते हैं होटल, एक द रॉयल होटल है, होटल है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, 3500 रुपये पर नाइट लेते हैं, तो इसके इसके हिसाब से हमें वो सुटेबल नहीं लगा, इसलिए हमने वहां पे बात नहीं की। हमने जो हमारे बुद्ध विहार हैं, श्रीलंका का बुद्ध विहार और बर्मा का बुद्ध विहार, जो बर्मा का बुद्ध विहार है उसमें 135 लोग रुक सकते हैं, और श्रीलंका का जो बुद्ध विहार है उसमें 241 लोग के रुकने की व्यवस्था की है, ये हम वहां पे बोल चुके हैं और हमने उनको बुक कर दिया है। और भी अगर जरूरत पड़ेगी जितने लोग जाना सकते हैं, 500 के प्लस ये मीटिंग है, मतलब संगति है, जितने जाना सकते हैं वो व्यवस्था हो जाएगी वहां पे, कोई समस्या नहीं रहेगी। और महसूस करते हैं हम सभी लोग जो यहाँ के लोकल के हैं कि बहुत अच्छी संगति रहेगी और 500 के प्लस ही जाएगी। महोदय हमारी रेगुलेटरी कमेटी बनी है जिसमें वो पठाक अत्यंत कुमार जी हैं, फाइनेंस कमेटी जो बनी है जो हमने यहाँ पे जो हमने नाम प्रपोज कर रहे हैं ये मुकेश कुमार जी हैं, अभी जुड़े हुए थे लेकिन अब वो सब लोग निकल गए हैं, चले गए हैं। उनमें फाइनेंस कमेटी में 3 लोग हैं, मुकेश कुमार जी हैं जो पठाक हैं, नरेंद्र कुमार अम्बेडकर जी हैं और विनीत कुमार मौर्य जी हैं, 3 लोग हैं इसमें। मैनेजमेंट कमेटी जो है हमारे पठाक बन चुके हैं, ये नरेंद्र कुमार जी हैं दूसरे वाले। फूड कमेटी में हमारे अभी तक जो संदीप वर्मा जी हैं वो पठाक हैं, और सुमित कुमार, अचित कुमार, रजत कठरिया और विवेक कुमार मौर्य, ये अभी इतने नाम आ चुके हैं फूड कमेटी के लिए। रिसेप्शन कमेटी में जो है वो विजय कनौजिया जी के पास उन्होंने संभालने की बात कही है, और मिनट टू मिनट कमेटी की जो है वो प्रभु दयाल जी और अतेंद्र कुमार, इन दोनों को दिए। बाकी मेरी सर 2 कमेटियां बनने को हैं जो हम 4-5 दिन में हम फाइनल कर देंगे। ये सर पूरी जो कमेटी बनाई है वो हमने हाउस को बताई है, और जो खर्चा आ रहा है जो हमने हाउस को बताया है, जो भी अगर किसी को कुछ पूछना है या जो भी चर्चा करनी है उस पर कर लीजिए। कितने आदमियों के आने की संभावना है सर? सर जहां तक है मुझे लग रहा है कि एस्टीमेट जो अभी तक को लेके बनाया है। जी सर, एस्टीमेट जो बनाया है आपने कितने आदमियों को ध्यान में रख के बनाया है? 500। ये जो टेंट 65,000 रुपए का है, हालांकि तो आप सब वहां के स्पोक खर्च करेंगे, पर मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं इसमें चेयर वगैरह डलवा रहे हैं या जो जैसा हमारा तरीका है वैसे करवा रहे हैं? नहीं सर, ये सारे बता दें, पूरा टेंट जो है वो व्हाइट कलर में होगा, सफेद में होगा, गद्दे के चादरें सफेद होंगी, पूरा टेंट सफेद होगा, और जो कुर्सियां होंगी वो आसपास पड़ी होंगी, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए होगी मात्र, बाकी जो भी संगति पूरी होगी वो बैठ के जमीन पर ही होगी, जमीन पर होगी, क्योंकि सामने ही बुद्ध मंदिर भी है और वो काफी बड़ा टेंट लगवाया है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 65,000 रुपए वहां के हिसाब से टेंट का ना ज्यादा है, आप अपने हिसाब से देख लेना आपका, क्योंकि आप खर्चा आप सब वहां के स्पोक करोगे तो आपका बचना चाहिए, आपका पैसा बचे, संघ का पैसा बचे, हमारा बचे, एक ही बात है। और इसमें जो आपने खाना है, ये खाने का पैसा ले रहे हैं, 3 टाइम का खाना है, 2 टाइम का कैसे किया है ये? सर हम बता रहे हैं, मेरे पास सारा एंट्री है इसमें। सुबह क्योंकि सर्दियों का समय होगा, इसमें बैटरी रहेगी, और 8 बजे चाय नाश्ता जिसमें आलू की पापड़ी वगैरह जो होती हैं हमारे यहाँ फेमस चीज़ें हैं वो रहेंगी। उसके बाद दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे जो है हम रोटी, सब्जी, सलाद, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारा कुछ देंगे, और शाम को फिर डिनर पूरा रहेगा। मतलब दो इसमें मील है और एक उसमें ब्रेकफास्ट है और एक बैटरी है। जी, चाय भी होगी शाम के टाइम करीब। हाँ, बीच में एक बार हम कॉफी भी देंगे, जो वहां बैठे होंगे वहीं पहुंचाई जाएगी। अच्छा, तो ये तो फिर नॉमिनल खर्चा है, मिनिमम ही है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, बढ़िया है तो। जी, एक
150 रुपए पड़ेगा। 150 रुपए में तो आपने लंगर चला दिया तो बढ़िया हो गया। अच्छा सर, मेरी जो वहाँ पे जो हमने बुक किया है उन लोगों ने जो हमको एक्सपेंस दिया है कि इतने होता है, हमने वही बताया यहाँ पे। हाँ, आपकी जो कमेटियां बनी है ना उनमें एक एक जो व्यक्ति है कम से कम इधर से जोड़ा जाएगा। आप मेरे को लिस्ट भेज देना तो उसमें एक एक आदमी जोड़ा जाएगा, एक या दो दो आदमी, ताकि वो कोऑर्डिनेशन में रहे और आपकी मदद करते रहे। वो नेटवर्किंग से होंगे सर। हाँ, इसमें सर जो आपका स्टीकर वगैरह और उन पर खर्चा जो 15,000 रुपए, ये बहुत ज्यादा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा खर्चा है। और वीडियोग्राफी 10,000 रुपया, ये भी मेरे को नहीं लग रहा सर। क्या कोई ऐसा स्थान नहीं वहां पर सर बिना टेंट के काम हो जाए सर? कोई ऐसा स्थान नहीं है छत का कोई वहां पर धर्मशाला या इस तरह की कुछ? सर ऐसा है, सर ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर हम खुले में करेंगे तो विवादित जगह है, तो इसमें मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूरी तरीके से लेनी पड़ेगी, लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी पूरी। अगर हम जो हमने किया है वर्मा का बुद्ध विहार है उसके अंदर हम कर रहे हैं तो हमें परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगा कर लेंगे। इसलिए हमें टेंट लगाना एक मजबूरी है क्योंकि संकिसा में कई बार विवादित स्थल है, तो इसलिए वहां पे बाहर प्रोग्राम हम करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संघ करवा नहीं सकता है, संघ करवा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम संघ संघ जो काम कर रहे हैं। जी सर, वो जो जगह है वो बड़ी सेफ है और बहुत अच्छी है। नहीं, जो टेंट 65,000 रुपए हुए, जो सुधीर सर ने भी यही बात कही, एरिया बहुत बड़ा सर, वो टेंट के लिए एरिया बहुत बड़ा है जहाँ मीटिंग होगी वो। अच्छा, गद्दे गद्दे चादर वगैरह सब चीजें। नेटवर्किंग कमेटी के कुछ लोग जाकर के फिजिकली उस एरिया को, जगह को पूरा देख करके आए हैं और जो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो वहाँ की जो कमेटी टीम है वो कर रही है। जो स्टीकर वगैरह इसमें कुछ कमी की जा सकती है जो 15,000 रुपए? हाँ सर, वो सर हम बता देंगे। वो स्टीकर जो 15,000 रुपए है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद डिजाइन, हम खुद डिजाइन करके उसको दे देंगे, उसमें मेरा पैसा कम हो जाएगा, वो हम कर देंगे। जी अभी हमने इसको बजट को अमूमन रखा है इसे 15,000 मान के चल रहे हैं, लेकिन हम इसको हो सकता है कि 6,000 में ही कर लाए। सर इस एजेंडे को पास करने के लिए अगर अनुमति प्रदान कर दी जाए तो हम इसको आगे बढ़ाया जा सके। जी अनुमोदन है सर, ये अनुमति है। अतेंद्र सर, सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बाहर से जो भी मेंबर्स जाएंगे उनके ऊपर कितना खर्चा पड़ेगा? सर जो बाहर से जाएंगे उनका एक दिन का प्रति व्यक्ति 550 रुपए एक दिन का होगा पर नाइट। जी ठीक सर, अगर वो इस्टे शामिल है सर इसमें। अच्छा, इसके अलावा और तो उसको भाग देना पड़ेगा? जी नहीं, उसको यहाँ कुछ नहीं देना होगा। तब तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है जी। और अगर वो 2 दिन रहेंगे, 2 नाइट रहते हैं जी, तो उनका 1,000 रुपए खाना सहित है, ये खाना चाय नाश्ता साबुन सब कुछ सहित। अगर लेकिन अतेंद्र सर इसमें मतलब अगर वो 2 दिन रहते हैं लेकिन खाना तो 2 दिन का ले रहे हैं, वो रुक नाइट में ले रहे हैं, तो खाने का तो उनको 150 रुपया और देना पड़ेगा ना? हाँ बस सर, उतना ही देना पड़ेगा जिससे खाने का। तो अगर वो 2 दिन रुकता है तो खाने का 2 दिन का 300 रुपया हो गया, और 350 रुपया कमरे का हुआ तो 650 हुआ ना उसका, बल्कि 700 रुपया। जैसे जैसे मान लीजिए अगर 2 नाइट्स अगर रुकते हैं आप, 2 नाइट अगर रुकते हैं ठीक है सर, तो उसमें 600 रुपए कमरे का लेंगे ठीक है सर। अगर एक दिन रुकते हैं, एक नाइट रुकते हैं और 2 दिन करते हैं तो इसमें सर 300 प्लस 3 तो 600 रुपए हुआ। ओके ठीक है सर, धम रात लेना होगा। अगर कोई अपनी रुकने की रात में व्यवस्था कर लेता है तो उसको 150 रुपए देना होगा। जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है सर। रहने का ठीक है, सुटेबल है। रहने का सर बुद्ध विहार में है, बर्मा वाले और श्रीलंका में। जी कोई नहीं, ठीक है, लेकिन सर रहने का और खाने का कोई दिक्कत नहीं।
वीडियो वाला और टेंट वाला आप देख लीजिए। तो सर चार पराठे और दो एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहेगा? सर सभी लोग बाहर से आएंगे तो इसमें मतलब लोकल के भी होंगे लोग, लेकिन बाहर से भी रहेंगे, क्योंकि दो दिन का है तो जो संगीति रहेगी वो रविवार की रहेगी, मतलब 13 तारीख में, और 12 तारीख में जो है जो लोग आएंगे उन्हें, क्योंकि घूमने के लिए बहुत है, आप पूरे दिन में घूम नहीं पाएंगे वहाँ पे। नहीं तो सर पहले दिन तो हमारा वो कॉन्सेप्ट लागू रह सकता है चार पराठे वाला। संभव नहीं हो पाएगा कि पहले दिन तो संभव है कि सारे लोग पहुंचेंगे चार पराठे प्लस दो छह लेकर के। आने वाले स्पीकर सर, किशोर सर, सर जी बोलिए। 150 रुपए ना ऑप्शनल है सर, आपने खाना नहीं लेना है तो आप फ्री है पराठे लेके आ सकते हैं सर उसमें। पर नहीं, जो संघ का सर एजेंडा है मैं तो उसके विषय में कह रहा हूँ। क्या है कि इसमें ना सारे लोग जैसे सुबह चलेंगे 5 बजे चलेंगे 3 बजे चलेंगे, कोई ट्रेन से चलेगा, कोई अपनी गाड़ी लेके चलेगा, तो खाना बना के और दोपहर, क्योंकि संख्या दूर पड़ता है जो जैसे 250-300 किलोमीटर से आएगा। हाँ दिल्ली से तो दूर है सर। हाँ तो उसकी तो वाइफ खाना ना बनाए, वो तो जाएगी, वो तो जाएगी भी नहीं। क्या बात है बनाने में सर, इसीलिए बहुत ही खींच तान के रखवाया गया है कि 150 रुपए। दिल्ली वाले शहदोशी आके खाना खा के जाना, तब साथ साथ निकला। अभी अभी एजेंडाज हम पूरे करा लेते हैं क्योंकि हमारी संख्या कम होती है बहुत तेजी से, और फिर इसको हम आगे 0 आवर में जिसको अपनी मैडम से पराठे बनवाने वो पराठे बनवा ले, मक्के की रोटी खा ले, एजेंडा खत्म करा लेते हैं। सर ऐसा नहीं है सर, यहाँ आपको ऐसी चीजें खाने को मिलेंगी कि आप 150 में सोचें क्या खाने मिल गया। यहाँ बहुत आलू की ऐसी डिशेस खिलाएंगे बहुत अच्छी। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। आलू की पापड़ी जो मिलती नहीं है इंडिया के अंदर, सिर्फ फरुखाबाद में मिलती है बस चीजें। बहुत बहुत साधुवाद सर। जी सर, बहुत साधुवाद सर, आगे बढ़ाया जाए। बचे हैं वो एजेंडा हम खत्म, इनको पूरा अगर हाउस कोऑपरेट करेगा तो 5 मिनट में एजेंडा खत्म हो जाएंगे, बट 0 आवर में जितने गप्पे लड़ाने हम लड़ा सकते हैं। स्पीकर सर जी, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको पूछ लीजिए सर, नहीं तो इसको पारित करके अगला एजेंडा ले। साधु साधु साधु, ठीक है, ये एजेंडा को पारित करते हैं सर। पारित किया सर, एक मिनट जी, बोलिए 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 सर। मेरा सबमिशन ये था कि लोकल लोगों पे मेरा ख्याल है बाहर ज्यादा पड़ जाएगा, कम ज्यादा नहीं तो वीडियोग्राफी, हम लोग वीडियोग्राफी का खर्चा हम लोग बैन करें। तो लोकल लोग से लोग तैयार हैं ये सब करने के लिए, कोई समस्या नहीं आ रही ऐसी। सभापति महोदय, ये पहले से ही नियम पास है, ये संगति का खर्चा वहाँ के लोकल स्पोक ही खर्च करेंगे, ये पहले ही हाउस से पास हो चुका है। ठीक है सर, आगे चलाया जाए। अगला जो एजेंडा है वो छुट्टन लाल सर के दो एजेंडा है। छुट्टन लाल सर है क्या? सर हूँ, लेकिन मैं दोनों एजेंडा आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगले मीटिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ दोनों ही। चलिए सर। ऑनरेबल स्पीकर सर जी, वो सर ने अपने एजेंडा जो है वो अर्जन किए हैं अगले मीटिंग के लिए, तो हमारे पास ऐसे कोई एजेंडा बचते नहीं है। आप हाउस को अगले महीने की 1 तारीख के लिए अर्जन करके, और अगर लोगों को बातें करनी है तो 0 आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। सभी मान्यवर सदस्य को धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से हाउस चला है हमारा आज, और आज हम इस हाउस को मुलतवी रखते हैं और नेक्स्ट फर्स्ट सप्टेम्बर को हाउस भी से रात को 8 बजे मिलेगा। धन्यवाद, साधुवाद। और 0 आवर्स डिक्लेयर करते हैं, जिसे चर्चा करनी है वो अपनी चर्चा चालू रख।
साधु साधु हम बताओ कौन रोटी लाएगा और कौन बाजरे की रोटी लाएगा। हम बताते हैं अंदर सर अभिषेक सर, अभिषेक सर हम बताएं क्या क्या मिलेगा। सब्सिडी है अतेंद्र जी ने सब्सिडी बताइए सर बताइए। अतेंद्र सर मैं तो खाने के लिए आ सकता हूँ, अभी इतना खाना है तो डिलीशियस। अभी सर को प्रसाद मत बताइए। अभी से सारी चीजें सर लोकल लोकल कमेटी ने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ आलू की जो डिशेस हैं जितनी प्रकार की हैं सब बनवाई जाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ आलू, हमारे यहाँ आलू फ्री मिल जाएगा, आलू फ्री मिल जाएगा। ये बिहार में है ना आलू बहुत होता है। सर वो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश नहीं सर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद आलू की मंडी है सर, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, क्योंकि देखेंगे कितनी बड़ी आलू फर्रुखाबाद की। हाँ सर सबसे बड़ी मंडी है। और एक बार हम सब आलू को जो है बाकी समझ बैठे सर, हम आपको बताएं जो आप जहाँ पे रहेंगे और उस समय आलू का सीजन होगा, तो आप जिस जगह जाएंगे संकिसा में तो आपको पूरा हरा भरा दिखाई पड़ेगा उस टाइम, और वो ऐसी जगह है कि आप खुद ही मतलब महसूस, जो नहीं पहुंच पाएगा ना वो अपने आप को सोचेगा कि मैं क्यों नहीं गया। रोज मीटिंग में ना यही बताते रहना आलू नहीं खाया है सर, अब तक किसी ने आलू भी नहीं खाया है। आलू तो सबने खाए होंगे, आलू तो सबने खाए होंगे, लेकिन यहाँ जो भुने हुए आलू मिलेंगे, जो आलू यहाँ पे भुने हुए मिलेंगे और जो यहाँ पे चटनी आलू मिलेगी। लेकिन सर एक बात का ध्यान रखना, वो दर्शनीय स्थल है, आपकी अपेक्षा से संख्या ज्यादा पहुंचेगी, आप ये ध्यान रखना सर। कोई समस्या नहीं होगी भगवत किशोर जी, सारे आलू भगवत किशोर जी सर, 1000 के इंतजाम है। हाँ 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 बिल्कुल, पता है 500 के 1000 के इंतजाम है। हाँ हो जाएंगे सर, ज्यादा प्रचार ज्यादा हो गया तो। अरे ये बताओ ऐसा ना, अनुभवी लोग किस काम आएंगे, अगर हो भी गए दिल्ली से रास्ता दिल्ली का। सर संकिसा ऐतिहासिक जगह है, गए हुए हैं, इसलिए पहले ही शुरुआत में एक प्रोग्राम हुआ था बनते दलाई लामा जी के नेतृत्व में, तो दो बार हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे बिना बुलाए। हाँ वही वही मैं वही कह रहा हूँ सर, हजार हो जाएंगे वहाँ पे भी। हाँ सबसे बड़ा ज्यादा ही लगाया गया, कम से कम ज्यादा फैमिली की फैमिली पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत दूसरा बुद्ध बिहार खोल दिया जाएगा, ये तो है। फिर भी नहीं जरूरत पड़ेगी तो तीसरा खोल दिया जाएगा, और जो होगी तो चौथा खोल दिया जाएगा। आपके स्पिरिट को नमन है सर। सर 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 क्योंकि हम लगातार वहाँ पे बुद्ध बिहारों में संपर्क कर रहे हैं और जा रहे हैं, हर संडे को हम इस समय ढाई महीना हो गया संकिसा में ही पड़े रहते हैं संडे को। लेकिन सर अभिषेक सर को बाजरे की रोटी चाहिए आलू की सब्जी के साथ, मिल जाएगी। सर वहाँ जाने का रास्ता बताओ ना। हाँ सर बता रहे हैं, यहाँ अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जैसे मान लो महाराष्ट्र वगैरह सभी लोग आते हैं तो आगरा आना पड़ेगा, आगरा या मथुरा। दिल्ली से जो आते हैं वो डायरेक्ट फर्रुखाबाद आ जाएंगे ट्रेन से, लखनऊ से आते हैं या उस साइड से आते हैं तो कानपुर होते हुए जाएंगे। अगर लखनऊ वाले आते हैं तो हाँ सारा कुछ मिलेगा, बस लोकेशन डाल देना सब लोग। सर चंदौसी वालों को भी बता देना किधर हो क्या है। अरे गए तो से आए सर, सर चंदौसी वाले आएंगे, चंदौसी चंदौसी होके चंदौसी वाले चंदौसी वालों के लिए तो कर रहे हैं, चंदौसी वाले भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि अरे हम सुबह जाके काम न करवाएंगे। अरे सर लोग चंदौसी होकर जाएंगे, चंदौसी से तो पैदल भी जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। चंदौसी वाले सबसे बाद में जाएंगे सर, कन्या हमारे पड़ोस का मामला है। आज आ जाइए आप लोग, आज सर
कहाँ से सर टाइम बताएं, बताइए आप। दिल्ली से आपको अगर ट्रेन से आएंगे तो सुबह कालिंदी एक्सप्रेस आती है शाम को, और शाम को एक आती है क्या नाम उसका आनंद विहार, वो सब सुबह आती है। टाइम कितना सात बजे आती है, मतलब अगर अगर आप अपनी गाड़ी से आएंगे दिल्ली से तो मात्र 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगेंगे जी, क्योंकि हम दिल्ली अक्सर जाते रहते हैं ना, तीन से ज्यादा लग जाते हैं। जाके दिल्ली जाके सुबह मार्केट करके और शाम को वापस आ जाते हैं। अतेंद्र जी हमारी भी ट्रेन बता दो सर, बताएं किधर सर आपकी ट्रेन है सर। योगेंद्र सर जी आपको तो पहले आना है, ट्रेन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, एक दिन पहले पहुंचेंगे। हाँ सर एक दिन पहले आएंगे, चिंता मत करो। हापुड़ से तो सर आपको अलीगढ़ होते हुए जाना चाहिए तो ठीक पड़ेगा। नहीं मैं तो चंदौसी होके जाऊंगा, मैं अलीगढ़ क्यों जाऊंगा, और क्या होके जाऊंगा। वाह नहीं चंदौसी में दूध मिलेगा सर प्योर। आइएगा, स्वागत 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 है सर आपका, स्वागत। इधर सभी लोग बधाई हो, संभल कर रहने वाला हूँ सर, संभल कर रहने वाला हूँ। जी 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 सागर साहब जी जी, तो वहां से हो सकता है ज्यादा लोग जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत भी है सर। एके सिंह सर, एके सिंह सर जी सर, जो संगति है वो 13 की है और 12 तारीख की शाम को आपका वहाँ होगा जी। चर्चा होगी वहाँ पे शाम को, शाम को आपका गाना होगा वहाँ पे 12 तारीख शाम को। ओके ओके सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना वो गाना डब्बा साथ रखना सर। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, 11 को पहुंचेंगे हम तो। ठीक है ठीक है, हाँ 11 को सर आ जाइए, 11 को, क्योंकि वर्मा वाले बुद्ध विहार में हमने बिल्डिंग पूरी खाली कर रखी है उनकी पूरी, तो इनके लिए मतलब 11 तारीख से आ जाएंगे, 11 तारीख से खाली मिलेगी। ओके तो 11 का भी चार्ज लगेगा फिर तो सर, ऐसा एक दिन पहले जाएंगे तो उसका भी तो चार्ज लगेगा। जो बोल दिया उतना ही होगा, काय परेशान फिर तो बहुत अच्छा सर। मतलब एक एक दिन और बढ़ा दो, बढ़ा लेंगे तो वो ये पैसा तो केवल मेंटेनेंस है, ये किराया भी नहीं हम कह सकते इसको, केवल मेंटेनेंस है इतने, हाँ कुछ भी नहीं है, ये तो मेंटेनेंस है बस सर। सर 150 रुपए की चाय पी का उठता आदमी दुकान पे, सही बात है, सही बात है। 15 ये गढ़मुक्त वाले 15 रुपए की चाय देने लगे, ये चाय है 3 बार चाय हो जाए 50 रुपए की, बिल्कुल। योगेंद्र सर, सर जी सर, 250 रुपए का दूध पी के उठे आगरे में जी, दो आदमी ने 250 रुपए दूध पी लिया, मैंने और योगेंद्र सर ने, दोनों ने हाँ हाँ यूज करेंगे तो आपसे ही आपके पशु का दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जैसे आज ही खिला देते हैं तो आज से ही यानी सुबह खिला तो भी सर अगर पहले आना चाहें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब है हमारा घर पड़ता है, तो वहां से स्टेशन से अपने घर ले आएंगे, कोई समस्या नहीं है। कम से कम मेरे ही घर पे तो मेरे हाल में 5 लोग सो सकते हैं, फिर तो सर बेकार है, लोग हाल में सो सकते हैं। अरे तो फिर तो इससे बढ़िया क्या बात, लेकिन संगीत की संख्या में है इसलिए। चलिए कोई बात, एक दिन में सारा बजट हो जाएगा जी। क्या सर एक दिन में सारा बजट हो जाएगा? हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा सर, 12 को विजिट रहेगी, 12 को विजिट रहेगी तो वो मतलब घूमना घूमेंगे ना सारे बुद्ध विहार जाएंगे देखेंगे। वही कह रहा हूँ 12 को और 13 को से। हाँ हाँ वैसे उनका मतलब अलग अलग सिस्टम है सबका कि 8 से 10 तक ही खोलते हैं, लेकिन हम सबसे बात कर लिए हैं तो वो पूरे दिन रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ये बढ़िया इंतजाम है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद सर आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सर हार्दिक शुभकामनाएं, आपका प्रोग्राम एकदम सफल हो जाए जल्दी सर। हमारा नहीं, संघ का प्रोग्राम है, मेरा कोई संघ का, संघ हम सबका संघ का है सर। अदन कुमार सर, सर मैं बड़ौदा से आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको नाम भी भेजा था, मेरा और वाइफ का बुक का ऑलरेडी बुक कर दीजिए दोनों का जी। और बड़ौदा गुजरात से मैं गाड़ी से आ रहा हूँ संकेत सर। अतेंद्र सर, एक कमरे में कितने लोग रुक सकते हैं? हाँ सर, एक कमरे में चार लोग, पांच लोग, बता रहे हैं पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं आपको सर, एक मैडम सब बता रहे हैं। जो बर्मा वाला है उसमें एक कमरे में चार से पांच लोग रहेंगे, और जो श्रीलंका वाला है उसमें सारे रूम्स अलग अलग हैं, 31 से 37 चार लोग रहेंगे, चार चार लोग रहेंगे, 38 नंबर में 9 लोग रहेंगे, 39 नंबर में 7 लोग रहेंगे, 40 से 45 वाले में 16 लोग रहेंगे, और 16 16 लोग रह सकते हैं, और 40 में 3 लोग रहेंगे, 47 में 5 लोग, 49 में 6 लोग, 50 में 25 लोग, एक साथ हाल है पूरा। उसमें बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, रजाई मिलेगी, सब मिलेगा उसमें। चलिए चलिए ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा। इसी तरीके से 63 नंबर 64 नंबर 10 10 लोग रहेंगे, 65 में 71 में 28 लोग रहते हैं, और 72 में 18 लोग रहेंगे, 73 में 18 लोग रहेंगे, 74 में हाल हैं ये 10 लोग रह जाएंगे। चलिए काफी है जी, और सभी में बेड पड़े हुए हैं, सभी में गद्दा रजाई सब रहेगी। चलिए ठीक, और जहाँ तक जो रूम है वो अटैच लेटरिन बाथरूम है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लीनिंग वगैरह जो है वो हम 2 दिन पहले सारी खुद अपने सामने करवा लेंगे जाके, हमारे जो कमेटी बनी हुई है वो सब जाके करवा लेगी। ओके ओके ठीक है। एक एक सर रूम बहुत अच्छे हैं। चलिए बढ़िया, अच्छा है, बहुत बेहतरीन रूम है। और नहीं भी होंगे तो संग पहुंच जाएगा, तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे वो। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, देखे हुए हैं सर। जी जी आप, हाँ अच्छा अच्छा आप लोग तो गए थे, चलिए अच्छा है, बढ़िया है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। नवरात्रि करें सर। बिल्कुल सर। सर आगरा से लगभग कितनी दूर पड़ता है? आगरा से 160 किलोमीटर पड़ता है, 2 घंटे का रास्ता है एक्सप्रेस वे से। थैंक यू सर। जी सर, लगता है आइडल संगति होने जा रही है अब। संगी संगी। बिल्कुल 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 आइडियल होगी। एक जेपी अम्बेडकर साहब सर, रामपुर की भी ऐसी होगी, चिंता मत करो। कल जगह देखने जाने थे, लेकिन क्या करें, मौसम ज्यादा खराब हो गया कल, इस वजह से जा नहीं पाए, तो वो अब जो है नेक्स्ट 10 डेज के लिए जो है आगे पोस्टपोन कर दिया प्रोग्राम। फिर भीमताल में पहाड़ भी कोई गिर गया है, वो वहां से लोकेशन पता कर दी तो बाद में। हाँ जी, भीमताल में पहाड़ खिसक गया है सर, बरसात में खिसकता ही है, इसलिए जो है बरसात के महीने में जाने नहीं चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। जी जी बिल्कुल, जो लोकेशन मिल जाएगी उनकी सही वाली। योगेंद्र जी गायक, वो गायक तो आएंगे ना अपने हसनपुर वाले संकिसा? हाँ हाँ लेकर आएंगे, क्यों नहीं बोला। हाँ ना ना उनको ठीक है, 2 दिन का कार्यक्रम है तो उनका होना जरूरी है, अच्छा रहेगा। 2 दिन का कार्यक्रम में रात में शाम को उनका ही बजाएंगे खूब दबा के। हाँ 12 तारीख की शाम को थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। मनोरंजन भी सर अच्छी बात, अच्छा है। बहुत से हमारे संगी जो है स्पोक्स काफी गायक लोग हैं, तो वो अपनी अपनी कुछ रचनाएं भी वहाँ पर सुना देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और अच्छी अच्छी बात है, रचनाएं तैयार करके जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय रहेगा, मौका रहेगा, तो सभी अपनी जो है जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको सबको पेश करें। चलिए ठीक ठीक सर, धमरात्रि करें हम क्या? हाँ सर धमरात्रि करो, अब तो टाइम हो गया, ड्यूटी जाना सर।
बहुत अच्छा चला आज, और जो हमारे स्पीकर महोदय थे धमरात्रि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। सरेण गच्छामि साधु।